Guys, good morning. So this is CA Vijay Sarda from Each Smart Academy Pune. Here we are for the purpose of May 20 and November 20 CA final, direct taxes and international taxes, right? Now why I am saying direct taxes and international taxes? Because international taxes are part of direct taxes, right? आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है डीटी यहाँ पे कितना बड़ा है, कितने टॉपिक हो सकते हैं डीटी के अंदर में? एकदम रफ 15, ओके, क्या रफ आइडिया? 43 टॉपिक्स आर देयर इन डीटी. हाउ मेनी? 43 टॉपिक्स आर देयर इन डीटी. सो अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि डीटी छोटा है, नहीं साहब, बिल्कुल डीटी छोटा नहीं है. आपने आईपीसीसी सीए इंटर में जितना पढ़ा होगा, इसको सीधा सीधा आप यू नो 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अराउंड 43 टॉपिक्स है डीटी के अंदर में. वी कैन क्लियरली आइडेंटिफाई दैट दीज आर द नंबर ऑफ टॉपिक्स. हालांकि जब आप मॉड्यूल खोलोगे, इनफैक्ट मॉड्यूल भी 4 मॉड्यूल आते हैं डीटी के, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4. इनफैक्ट डीटी के लिए इंस्टीट्यूट भी 4 मॉड्यूल देता है और उसे उस मॉड्यूल को यू नो 4 इसमें डिवाइड कर देता है. सो लेट अस स्टार्ट. बहुत बड़ा पेपर है. पेपर कौन सा है? ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 2 में आता है. पेपर नंबर 7 ग्रुप के हिसाब से देखा जाए, पेपर नंबर 7. अगर यू नो इंडिविजुअली ग्रुप से हिसाब से देखा जाए तो पेपर नंबर 3. डू यू हैव एनी आइडिया ये कितने पार्ट में डिवाइडेड है? डीटी कितने मार्क्स को, इंटरनेशनल टैक्स कितने मार्क्स को, जो डीटी वाला पोर्शन है पेपर 7? परफेक्ट. 70 मार्क्स इज फॉर डीटी एंड 30 मार्क्स इज फॉर इंटरनेशनल टैक्स, जिसके अंदर में उन्होंने एमसीक्यू भी कवर किया है. मतलब अगर मैं पेपर स्टाइल की बात करूं तो पेपर स्टाइल में उन्होंने एमसीक्यू भी आपको कवर किया गया है. रीसेंट नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट का देखेंगे तो वो बोल रहे हैं जो एमसीक्यू रहेंगे ये केस बेस्ड एमसीक्यू रहेंगे. मतलब ये नॉर्मल एमसीक्यू ना रह करके आपको एक सिचुएशन दी जाएगी एंड दैट सिचुएशन हैज टू बी इंटरप्रेटेड एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू यूज दी एमसीक्यू. सो द पेपर हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अराउंड एन एमसीक्यू, अ थ्योरी क्वेश्चन एंड एज वेल एज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन. नाउ व्हाट हैपेंड इज व्हाट वी लर्न इन ऑफिस एंड व्हाट वी एक्चुअली लर्न इन थ्योरी इज टोटली डिफरेंट. हो सकता है क्या, मैं इस बात पे श्योर हूं कि आपने एक्चुअली टैक्स कैलकुलेट करे हुए कभी 2 साल हो चुके हो पेपर पे. एक्चुअली टैक्स कैलकुलेट करे हुए करीब 2 साल हो चुके हो, क्योंकि हमारी ऑफिस में आदत छूट जाती है. यू ऑल हैव टैक्स बेस इन ऑफिस, यस और नो? वेल, आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 9 ईयर्स. वी हैव गॉट 3 ऑफिसेस इन पुणे एंड आउट ऑफ पुणे एज वेल, राइट? सो आई एम इन दैट वे अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो हम लोग जितना भी डिस्कस करेंगे इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी डिस्कस करेंगे, डेली ऑफिसर्स में जैसा होता है उस हिसाब में भी. मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या टैक्स से इनकम निकलता है या इनकम से टैक्स निकलता है? प्रैक्टिकल लाइफ में बताइएगा. टैक्स से इनकम निकलता है, क्योंकि व्हाट वी डू इज वी कॉल टू द क्लाइंट, सर आपका लाइबिलिटी इतना आ रहा है. नहीं सर, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इतना तो सर हो ही नहीं सकता सर, देखो थोड़ा कम करके. थ्योरी हमें सिखाता है इनकम टैक्स निकालना, प्रैक्टिस हमें सिखाती है टैक्स से इनकम निकालना. उसका जितना टैक्स आ रहा है उसका रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ता है और लाइफ में तब समझ आता है कि सस्पेंस अकाउंट नाम की जो चीज होती है वो क्लोजिंग स्टॉक ही होती है. प्रैक्टिकल लाइफ ये है कि जो सस्पेंस अकाउंट होता है वो तो क्लोजिंग स्टॉक होता है. ये हमें प्रैक्टिस में समझ में आता है कि सस्पेंस अकाउंट टेक्निकली सिर्फ एक नाम था, ओरिजिनली वो क्लोजिंग स्टॉक था जिसको एडजस्ट करना होता है, या तो कैश अकाउंट था जिसको एडजस्ट करना होता है. सो इन दैट वे थोड़ा सा आइडिया, यू नो, सब्जेक्ट चालू करने से पहले कि पेपर जो रहेगा ये कितने क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, नंबर ऑफ क्वेश्चन. बिकॉज सी आई फर्मली बिलीव दैट सिर्फ क्लास लगाने से कुछ नहीं होता है. यू मस्ट नो कि नंबर ऑफ पेपर्स, यू नो, क्वेश्चन कितने रहेंगे, उसका डिविजन किस तरीके से होगा, सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड मेंटली. परफेक्ट. देयर विल बी 7 क्वेश्चन. Perfect. First question will be MCQ and as well as mandatory question. Then there will be 6 questions with an option. Yes or no? So I want you to write down this point. Kuch basics aap pehle samajh lein. So DT comprise international tax.
दिस इज पेपर सेवन, सेवेंटी मार्क्स कंप्राइज ऑफ डीटी एंड थर्टी मार्क्स कंप्राइज ऑफ इंटरनेशनल टैक्स. देर विल बी सेवन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन, मैंडेटरी अलोंग विद द एमसीक्यू. सिक्स क्वेश्चंस विथ ऑप्शंस. सो दीज आर द प्राइमा फेसी बेसिक्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. इस पेपर को चालू करने से पहले ये जो रिकॉर्डिंग है, ये मैं कब चालू कर रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग है मैं यहाँ पे 4 अक्टूबर को चालू कर रहा हूँ, 4 अक्टूबर 2019. और ये जानबूझ के मैंने लेट की है, जिसको लेट करने का एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है. रीजन ये है, दिस इज एन इलेक्शन ईयर. इलेक्शन ईयर होने के कारण जो बजट था वो लेट हुआ. बजट लेट होने के कारण जो इससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल्स थे वो लेट हुए, और इससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स थे वो अब भी चालू है. 20 सितंबर 2019 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक ऑर्डिनेंस लाया. हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे उसका वैलिडिटी एंड ऑल क्या है. क्या हम वो ऑर्डिनेंस को भी इस लेक्चर के अंदर में डिस्कस कर रहे हैं? आंसर इज येस. मैं इसके अंदर में फाइनेंस एक्ट 2019 डिस्कस कर रहा हूं पूरा का पूरा. एट द सेम टाइम द एडेड बेनिफिट इज, लेक्चर लेट होने का एडेड बेनिफिट इज, मैं इसके साथ साथ पूरा फाइनेंस ऑर्डिनेंस जो लाया गया है, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट एक्ट 2019, मैं वो भी इसके साथ साथ में ही आपको लेने वाला हूं. जिसका मतलब ये होगा कि आपको सेपरेट अमेंडमेंट क्लासेस को देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अंटिल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और दी अदर नोटिफिकेशन हैज बीन ब्रॉट इन. हालांकि जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम सारे नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स इसी के साथ साथ डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर के दौरान. एंड द एडेड बेनिफिट इज, जो केस लॉस भी रहेंगे वो भी आपको इसी के साथ साथ आ जाएंगे. अगर कोई अमेंडमेंट होता है, इफ एनी, राइट, फॉर द पर्पज ऑफ मे 20 अटेम्प्ट, ये मैं फरवरी या मार्च के बीच में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डालूंगा. एंड इफ यू आर लुकिंग दिस लेक्चर फॉर नवंबर 20, विच इज टोटली परफेक्ट, आप नवंबर 20 के लिए भी ये लेक्चर देख सकते हैं. उसके अमेंडमेंट में अराउंड सितंबर में डालूंगा आफ्टर द रिलीज ऑफ आरटीपी. व्हाई आफ्टर द रिलीज ऑफ आरटीपी हैज गॉट अ वेरी गुड रीजन. रीजन इज देयर आर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स, बट मेनी ऑफ द अमेंडमेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकली रेलेवेंट टू अ सीए फाइनल स्टूडेंट. दे आर रेलेवेंट टू प्रैक्टिकल लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अ ड्यू डेट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टैक्स ऑडिट डेट. This is relevant for practical life, but not relevant to a CA student. Because जब भी उसको question पूछा जाएगा, वो यही पूछा जाएगा, what is the filing of due date? And due date के लिए उसको September ही सीखना है. जबकि ये विषय अलग है कि हर साल वो due date आगे बढ़ेगी. So not all amendments are relevant to you. Only that amendments which is relevant to you, which institute wants you to understand, वो RTP के through दिए जाते हैं, और RTP release होने के बाद ही amendments आ जाएंगे, right? At the same time, केस लॉज भी बहुत सारे होते हैं, हाई कोर्ट जजमेंट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होते हैं, एंड देयर वेरासिटी वी विल डिस्कस. आज के लेक्चर में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे. उनकी जो वेरासिटी है ये भी बड़े काम की है, लेकिन हमें उतनी जजमेंट्स देखना है जितना इंस्टीट्यूट चाहता है, और वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन यूट्यूब के ऊपर. दैट इज टोटली फ्री, यूट्यूब के ऊपर आप डिस्कस कर सकेंगे उसको, और वो तब इशू होंगे जब सप्लीमेंट्री इशू हो जाएगा. किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट के द्वारा. So, मैं आपको टेंटेटिवली बता दूं आपको पढ़ना क्या क्या है. पहला, आपको एक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है अलॉन्ग विद द रूल्स, प्लस सीए फाइनल के लिए आप लोगों को पढ़ने हैं अमेंडमेंट्स जो आएंगे आरटीपी रिलीज होने के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे. एट द सेम टाइम आपको पढ़ना होगा सप्लीमेंट्री जुडिशियल जजमेंट्स. जो जुडिशियल जजमेंट्स इंस्टीट्यूट निकालेगा हमें वो रेफर करना पड़ेगा, और वो भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा. तो लाइव क्लासेस हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं. दो चीजें आपको मेरे साथ यूट्यूब पे मिलेगी. क्या चीज? पहला केस लॉ और दूसरा अमेंडमेंट्स. ये दोनों यूट्यूब चैनल पे मिलेगा सीए विजय सारडा पे, राइट. इट माइट बी पॉसिबल अगर मैं बिजी हूं और मैं मेरे चैनल पे अपलोड नहीं कर पाया, तो इसे वी स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे साथ दो जगह कंपलसरीली आप लोग को अटैच होना है. मैं पहले ही लेक्चर में बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में आप वापस से मुझे क्वेरी सेंड करेंगे, उससे बेटर मैं आपको पहले ही सेंड कर बता दे रहा हूं. आप मुझसे पूछेंगे कि अमेंडमेंट्स कब कब आएंगे, मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट्स. हालांकि ये लेक्चर टोटली अपडेटेड है, राइट. अक्टूबर 2019 तक के जितने अमेंडमेंट्स है वो सारे इसके अंदर में आ चुके हैं, बट फिर भी
हो सकता है कोई नया ऑर्डिनेंस लेकर के आ जाए या फिर कोई नया सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाए जिसके कारण सारी चीजें चेंज हो जाए. सो अमेंडमेंट्स, इफ यू आर गिविंग मे 20 और इफ यू आर गिविंग नवंबर 20, मैं आपको डेट बता दूं, जनरली ये आते हैं फेब में आफ्टर आरटीपी, ये आएगा सितंबर में आफ्टर आरटीपी. ये आपको देखना है यूट्यूब के ऊपर, टोटली फ्री, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है. सीए विजय सारडा. और अगर मैं नहीं अपलोड कर पाया, मान लीजिए मैं कोई क्लासेस के अंदर में बिजी हूं, तो वी स्मार्ट अकेडमी चैनल के ऊपर ये बाय डिफॉल्ट में अपडेट हो जाएगा, राइट? तो आई थिंक वी स्मार्ट अकेडमी चैनल के ऊपर तो आपको बाकी सारे टीचर्स के भी मिल जाएंगे जो भी अपडेट्स होंगे वो, तो वहां से भी कनेक्ट रहिएगा. और मैं उन चीजों में नहीं हूं कि सब्सक्राइब करो लाइक करो, आपको यहाँ पे चुपचाप आना है, जिस दिन से ये बन जाओ बाहर निकल जाना, हमारे को कोई टेंशन नहीं है उस चीज के अंदर में. एट द सेम टाइम अमेंडमेंट्स के जो नोट्स होंगे, अमेंडमेंट के जो नोट्स होंगे, इसे टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा. सीए विजय सारडा, टेलीग्राम के ऊपर सीए विजय सारडा चैनल है जिसका लिंक आपको मिल सकता है. इसके ऊपर मैं अपडेट करूंगा क्योंकि ये एक कॉमन मैकेनिज्म है हजारों बच्चों तक के एक सिंगल डॉक्यूमेंट पहुंचाने का, मेरे पास और कोई भी नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो कौन कब कहां क्या ले रहा होगा, राइट? सो आप दो जगह बस यहां पे अटैच रहिएगा. तीसरी चीज, आपको कोई भी क्वेरीज होगी, कोई भी क्वेरीज होगी, दो आई एम प्रेजेंट इन ऑल सोशल मीडियाज, दो आई एम प्रेजेंट इन ऑल सोशल मीडियाज, बट स्टिल आई ओनली सॉल्व द क्वेरी ऑन व्हाट्सएप. So these are the two numbers wherein I can solve my all your queries. आपको जब भी कोई queries हो, कोई photo खींच लीजिए, photo खींच के send कर दीजिए और साथ साथ में एक audio note send कर दीजिए. खुद आप भी लिखने के ऊपर इतना time मत लगाइए. Audio note से आप भी भेज पाएंगे, मैं भी भेज पाऊंगा. एक छोटा सा request, हम लोग almost 10 घंटे classes के अंदर में होते हैं. जब भी आपकी कोई query have patience. मैं आपकी क्वेरी बिल्कुल 24-48 आवर्स के अंदर में सॉल्व कर दूंगा, बट हैव पेशेंस कि आप अगर बोलेंगे इमीडिएटली क्वेरी सॉल्व करो, नहीं हो सकता, मैं 10 घंटे लेक्चर में होता हूं, मैं मेरी सगी बीवी को भी इमीडिएट रिप्लाई नहीं करता, राइट? सो दिस वेर ऑल द सब्सटेंशियल पार्ट बिफोर स्टार्टिंग द डीटी. दिस इज पेपर नंबर 7, कुछ इस तरीके से मार्क्स एलोकेशन है, 7 क्वेश्चन होंगे. अमेंडमेंट्स आपको कब देखने हैं, कहां देखने हैं, अमेंडमेंट के नोट्स आपको कहां मिलेंगे, जुडिशियल जजमेंट्स कहां मिलेंगे, शॉर्टकट्स कुछ होंगे तो वो टेलीग्राम पे मिलेंगे, क्वेरीज आपको व्हाट्सएप पे पूछनी है, दो आई एम प्रेजेंट इन ऑल सोशल मीडिया, बट प्लीज मैं कहीं और क्वेरी सॉल्व नहीं करता एक्सेप्ट व्हाट्सएप, क्योंकि मेरे सारे सोशल मीडिया कोई और हैंडल कर रहा है, राइट? चलिए अब यहां से चालू करते हैं साहब टैक्स. मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको टैक्स का कुछ नहीं आता ये चालू करने से पहले, और मैं 2000% जानता हूं ये अजम्पशन सही है, इस लेक्चर के एंड में आपको प्रूव कर दूंगा. और मैं एक और शर्त लगाता हूं आपसे यहां कि डीटी का लेक्चर आपके दिन का सबसे फेवरेट लेक्चर होगा जो भी आप देख रहे होंगे, जितने भी देख रहे होंगे, ये मेरा गारंटी, और मैं आपसे लेक्चर के एंड में जरूर पूछूंगा ये चीज. चलिए एक और सवाल जो बच्चे हमसे पूछते हैं और हम क्लैरिफाई कर देते हैं, सर संडे के दिन लेक्चर होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, एक्सटेंडेड लेक्चर होता है. तो संडे के लेक्चर्स जो होंगे, कुछ लेक्चर्स जो आप भी देखेंगे, अगर कोई पेनड्राइव में देख रहा होगा या वर्चुअल मोड में देख रहा होगा, संडे के लेक्चर्स आपको थोड़े बड़े मिल सकते हैं, राइट? क्योंकि संडे इज द बेस्ट वर्किंग डे. बच्चे हमारे यहाँ पे बोलते रहते हैं लाइव वाले कि सर प्लीज संडे भी ले लो, तो इसी के लिए हमारे को संडे लेना पड़ता है साहब. चलिए आते हैं फटाफट आगे बढ़ते हैं. सर फर्स्ट पॉइंट, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको टैक्स का जीरो पता है और मैं जीरो से चालू कर रहा हूं. ये टैक्स वर्ड आया कहां से? चलो बहुत जीरो से चालू करते हैं. क्या टैक्स पहली बार इंडिया में ही रखा गया था? और ये आया तो आया कहां से? हिस्ट्री जानने के मूड में है थोड़ी सी. सर टैक्स एक्चुअली बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट. इसको पहले हिंदी में कहा जाता था कर, राइट? और आज भी हिंदी में इसे कर के ही नाम से जाना जाता है. और आप लोगों ने चाणक्य को सुना होगा, चाणक्य व्यक्ति को सुना होगा. ही हैज फर्स्ट ब्रॉट इन द कंसेप्ट इन द इकोनॉमिक्स एंड सेड जस्ट लाइक सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ टू गिव इट बैक एज द रेन, एट द सेम टाइम किंग शुड ऑल्सो लेवी द टैक्सेस टू गिव इट बैक एज द सर्विसेस. सो फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य में
नो चाणक्य साहब ने कहा था कि बस जैसे सन मॉइस्चर ड्रॉप कर लेता है और अगेन रेन के जैसे देता है, ठीक उसी तरीके से हमने भी टैक्सेस कलेक्ट करने चाहिए और टैक्सेस कलेक्ट करके सुविधाओं के तौर पे हमें क्या करना चाहिए, लोगों को वापस देना चाहिए। एंड हेंस जितने भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं ये अगेन एज अ सर्विसेज ही आपके लिए यूज किए जाते हैं। सो व्हाटएवर आर द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल आर अगेन गिवन बैक एज अ सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ रोड, डैम, ब्रिज, कनाल, पोर्ट, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटीज एंड ऑल सर्विसेज। हाउएवर हम और पीछे जाते हैं, ये टैक्स वर्ड कहां से अराइज हुआ? बॉस टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो व्हिच मींस अ रेट ऑफ टैक्स, व्हिच मींस अ रेट ऑफ टैक्स। सो टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो। हालांकि क्या ये पहली बार इंडिया में यूज हो रहा था? आंसर इज नो, इसे एशियन टाइम्स से इंडिया में यूज किया जा रहा है। बट सर ये तो हो गई एशियन टाइम्स की बात, ना जब लॉ हुआ करते थे ना कानून हुआ करता था, बस डिक्टेटरशिप हुआ करती थी किंग की। तो पहली बार एक्ट कब बना? अगर एशियन पीरियड से आए तो मैं आपको याद दिलाता हूं, सबसे पहले राज राजवाड़े चले गए और कौन आ गया राज करने के लिए? ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स जब आए इन लोगों ने अपना शासन लगाया और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ब्रिंग अप किया। लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से लेके आए, पहली बार 1856, इन द ईयर 1856 पहली बार टैक्स नाम की चीज, कर नाम की चीज लगाई गई। इसे महसूल नाम भी कलेक्ट किया जाता था, लगान मूवी में आपको दिखाया होगा, राइट? 1856 से लागू हुआ, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक लॉ था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक लॉ था जो कहता था नो टैक्सेस कैन बी लेविड अनलेस देयर इज अ प्रॉपर लॉ। तो 1856 से लागू तो कर दिया गया, देयर वाज नो अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉ और देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉ रिलेटेड टू इनकम टैक्स। हेंस इन द ईयर 1922, इन द ईयर 1922 they specifically brought up an act, Income Tax Act 1922. So right now whatever you are learning is Income Tax Act 1961. But earlier there too there was an Income Tax Act 1922 which was the first act as far as India is concerned with related to income tax. Now in 1922 they specifically brought up a specific act under James Wilson, under the committee of James Wilson. So he is also called as the father of income tax at the same time. Who is the father of income tax? Sir James Wilson, who has brought taxation in India. Who has brought taxation in India? 2 minutes, hum likhne wale hain, likho mat. So Sir James Wilson, pehli baar ise lekar ke aaye. 1947 mein mili hume azadi, say yes. Aur uske baad independent India ko apna ek khud ka act chahiye tha. जो लाया गया इन द ईयर 1961। बट एक सवाल उठता है, जब हमारे पास एक्ट 1922 में ही था, व्हाई वी रिक्वायर्ड अ सेपरेट एक्ट इन द 1961? दिस इज द फॉर्मल क्वेश्चन व्हिच एवरीबॉडी शुड आस्क, दैट वी वर हैविंग एन एक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज भी चल रहा है, व्हाई देयर वाज अ सेपरेट नीड 1922 को 1961 में अमेंड करने की? रीजन वॉज इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अंदर में हर जगह वर्ड यूज था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो 1947 के बाद रहा नहीं, और उसमें टेक्निकल डिफिकल्टीज आती थी उसे अप्लाई करने के लिए 1947 के बाद, एंड हेंस हमें अपने पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट्स एंड अदर वर्ड्स इसके अंदर में इंसर्ट करने पड़े, और इसीलिए एक नए एक्ट की जरूरत पड़ गई 1961, जहां पे हमने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया। 1961 इसलिए भी क्योंकि मिनिस्ट्री डिवीजन हुआ 1947 के बाद, और वन ऑफ द मिनिस्ट्री बिकेम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंश्योर करता था गवर्नमेंट के सभी रेवेन्यूज को, गवर्नमेंट के सारे फाइनेंसिंग सोर्स को। इसका एक डिपार्टमेंट टैक्सेस के बारे में बात करता है और वो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर लाइफ में एक बार भी कभी कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर, ऑर्डर, समन कुछ भी पढ़ा होगा, सबसे पहले उसके अंदर में लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दूसरा ही वर्ड लिखा होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तीसरा वर्ड होता है सीबीडीटी। ये है उसके पीछे की हिस्ट्री। तो इसलिए एक बार वापस रिकॉल कर देता हूं, एशियन टाइम्स में सबसे पहले चाणक्य ने इकोनॉमिक्स के अंदर में लिखा था, जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ, किंग शुड कलेक्ट taxes to give it back as a services. इसके बाद एक word arise हुआ, Latin word taxo, which means a rate. India में पहली बार लाया 1856.
लाया गया, बट देर वॉज नो स्पेसिफिक एक्ट. पहली बार एक्ट बना 1922, लेकिन इसमें वर्ड क्या लिखा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट. यहां से आजादी मिली, आजादी मिलने के बाद इंडिपेंडेंट इंडिया का एक्ट बना 1961. प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज थे और यहां अपने खुद के प्रोविजंस लाने थे, और इसी के साथ साथ रूल्स बने 1962 के अंदर में. लाने वाला कौन था व्यक्ति, किसकी कमेटी के अंदर में सबसे पहले इनकम टैक्स आया था, सर जेम्स विल्सन, राइट. सो आइए टैक्सेशन बेसिक्स. टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स द रेट ऑफ टैक्स. इट वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय सर जेम्स विल्सन. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1856. फॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट 1922. इनकम टैक्स एक्ट रिप्लेस्ड इन 1961. इनकम टैक्स रूल्स 1962. So tax arises from a Latin word taxo, which means a rate. It was brought to India by James Wilson. Income tax was first introduced in India in the year 1856, formally by the British rulers. Then there was a formal act in the year 1922, then act replaced in the year 1961, and income tax rules 1962. पहला सवाल जो आपने मेरे से पूछना चाहिए, सर why act in 1961 and rules in 1962? This is the first question you should ask to me. आज ही के लेक्चर में डिस्कस होगा. Rules is for amendments, okay? Supporting material to the act. Rule can be easily amended, okay? तो सर देखिए आज कितने misconceptions सुधारने पड़ेंगे हम लोगों को, right? बहुत सी चीजें सुधारनी है. पहला सवाल लेके चलिएगा अपने साथ, आज के लेक्चर में क्लियर होगा why act in 1961 and rule in 1962. दूसरा सवाल, what is the difference between act and rules, right? चलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको लॉ का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और स्ट्रक्चर से मैं आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा. व्हेनेवर अ लॉ इज ब्रॉट इन इंडिया देयर हैज टू बी थ्री पार्ट्स, वन हु मेक्स द लॉ, सेकंड हु इंप्लीमेंट्स द लॉ, and third who interprets the law. This is a very simple law structure. You take any act, there is a three process. One, who makes the law. Second, who implements the law. And third, who interprets the law. Because if a single person is doing all this activity, it will be a clear mess, because one cannot do every activity. He can do multitasking, but he cannot do every activity at the same time. So some people will only be focusing on law making, सेकेंड इंप्लीमेंटिंग, एंड थर्ड दे विल बी इंटरप्रेटिंग. सो अगर हम लोग समझ ले लॉ मेकिंग, इनकम टैक्स इज अ लॉ, सो देयर आर थ्री पार्ट. फर्स्ट लॉ मेकर, सेकेंड लॉ इंप्लीमेंटर, एंड थर्ड लॉ इंटरप्रेटर. लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रेटर्स. चलिए और बेसिक में जाते हैं, और डीप में जाते हैं. हु मेक्स लॉ, पार्लियामेंट मेक्स द लॉ इन इंडिया. डू यू रियली थिंक पार्लियामेंट में इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं?
पार्लियामेंट पासेस द लॉ. सो हु मेक्स द लॉ? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. पर अभी अभी हमने डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मेजर ऑब्जेक्ट फाइनेंस कलेक्शन पे फोकस करना. सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लॉ कैसे बना रहा है? सर लगता है बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा. क्योंकि आके अगर मैं आपको चालू कर देता ना असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर, बिलीव में आपको कभी मजा नहीं आता. और इनकम टैक्स में मैं जब वर्ड लिखता हूं वो लिखता हूं रोमांसिंग द टैक्सेशन. इसका मतलब यह है कि अगर पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. मेरा एक सिंपल रूल है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. आओ डीप में पढ़ते हैं बेटा. इंडिया में लॉ बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जिसको हम कहते हैं MOLJ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. यही वो कमिटी होती है जिसके पास काम होता है बिल बनाने का. आपने जो पढ़ा है लॉ के अंदर में वो है सबसे पहले आप बिल बनाते हैं, बिल बनाने के बाद ये बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, प्रेसिडेंट अप्रूवल मिलता है और फिर जाके वो क्या बनता है, एक्ट बनता है. क्लियर है? अब आइए मैं आपको बताता हूं बिल कैसे बनता है. बिल सबसे पहली बात, क्योंकि मुझे बताना बहुत जरूरी है क्योंकि एक्ट के पीछे की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जाननी बहुत जरूरी होती है. क्योंकि अगर यही नहीं जाना जाए तो आप लोगों से कर वसूली कैसे कर पाएंगे. सो देयर इज अ मिनिस्ट्री कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हु हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राफ्ट अ लॉ. दे हैव बीन फर्स्ट गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ड्राफ्ट द लॉ. लेकिन मैं आपका थॉट प्रोसेस और चेंज करना चाहता हूं. उनको कैसे क्या रात में सपना होगा यार ये नया लॉ बनाते हैं? Do they get a dream? Let's make this law. People need it. How they come to know that there is a requirement of law or there is an amendment in law? How they come to know? कभी सोचा है? ना वो dialogue है ना बहुत अच्छा है. भगवान को मानते हो? कभी सोचा है भगवान किसको मानता है? आप खुद सोच के देखिएगा मालिक कैसे उनको क्या रात में सपने में आता होगा. Imagine कि you know Ministry of Law and Justice का एक बंदा सोए हुआ है, रात में एक देवी आई, सुनो ना एक नए एक्ट की जरूरत है. उसको क्या सपने में आता होगा कि नए एक्ट की जरूरत है या इस अमेंडमेंट की जरूरत है? कैसे पता चलता होगा? आइए मैं आपको समझाता हूं. समझना है अगर 5 मिनट लगेगा पर मजा बहुत आएगा. अब आपको एक एक चीज के पीछे का रीजन समझना है. सबसे पहले लॉ मेकर लॉ बनाता है, लॉ इंप्लीमेंटर उसे इंप्लीमेंट कर देता है. मेकर ने लॉ बनाया, लॉ इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया. इंप्लीमेंट करते वक्त कई प्रॉब्लम्स पता चलती है, इंप्लीमेंट करते वक्त कई प्रॉब्लम्स पता चलती है, राइट? कई इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं बिकॉज व्हेनेवर अ लॉ इज रिटन एवरीबॉडी हैज हिज ओन ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ. इसके ओपिनियंस बनते हैं. जब इसके इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आए या मल्टीपल ओपिनियंस बने, यहां पे आते हैं इंटरप्रेटर का रोल. यहां इंटरप्रेटर क्या करता है, अपना रोल प्ले करता है. या तो उसको करेक्ट इंटरप्रिटेशन देता है, और अगर इंप्लीमेंटर को प्रॉब्लम हो रही होगी लॉ इंप्लीमेंट करने में, वो अगेन लॉ मेकर्स को बताता है कि सर इंप्लीमेंटेशन में यहां प्रॉब्लम आ रही है. छोटा सा एग्जांपल देता हूं साहब. वी हैव अमेंडेड द इनकम टैक्स बाय सेक्शन 139AA. आधार इज मैंडेटरी, बट एट द सेम टाइम इनफैक्ट आधार एक्ट एग्जम्प्टेड सम काइंड ऑफ पीपल ऑफ नॉट हैविंग आधार. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हु हैज अ एज ऑफ 80 और अबव डिड नॉट रिक्वायर टू होल्ड आधार, बट इनकम टैक्स गिवन अ स्लैब ऑफ 80 एंड अबव. One cannot file an income tax return unless he holds the Aadhaar. But Aadhaar Act itself says no Aadhaar is required to 80 and above. Now there is a contradiction between law making and law implementing. Now the implementers request the lawmakers kindly amend this provision or make a law that there is a problem. That's how they come to know that yes, there is a requirement of either amending the law or making a new law. उनको रात में सपने में नहीं आता. दे कम टू नो बाई इधर द इंप्लीमेंटर्स और द इंटरप्रिटर्स. लेट्स से अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बिकेम्स द लॉ ऑफ लैंड, देयर बाय हैज टू बी अमेंडेड इन लॉ मेकिंग. सो दे ऑल्सो हैव टू कीप एन आई ऑन द इंप्लीमेंटर एज वेल एज इंटरप्रिटर्स. गेटिंग इट नॉट? दिस इज द प्रोसेस ऑफ लॉ, दिस इज हाउ द लॉ वर्क्स. सो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल whenever they come across any problem in implementation or a super interpretation of the law making, they make a bill. The first bill is called as a green paper in legal language. Understand this process. The first bill is called as a green paper. Under the green paper, a committee is constituted. They are given the responsibility to make a particular law or amend in such a way that it should be beneficial to all. It should be interpreted in good faith.
The green paper is finalized. The green paper submit his report to the ministry, and ministry, after having the final discussion, brings up a final bill, which is called as a white paper. Which is called as a white paper. So first a green paper, then a white paper. Then what happened is, this white paper is substantially called as a bill. This is placed in front of both houses of parliament. This is placed in front of both houses of parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha. And thereby, if it is approved with both houses of parliament, substantially it is called as act, because it is just with the requirement of president approval. This bill goes to the president approval, and the day president approves it, it is notified in the official gadget to become an act. So, what is the lawmaking process? Ministry of Law and Justice, in consultation with the Ministry of Finance or the other ministry, jiske liye law banaya ja raha hai, ministry se consult karta hai. Sabse pehle green paper ke baad kya banta hai? White paper. White paper both houses of parliament ke andar jata hai, president approval banta hai, aur isi ke time pe banta hai act. आप बहुत लकी हैं कि आप मई 20 दे रहे हैं या नवंबर 20 दे रहे हैं. पूछिए क्यों आप ये दे रहे हैं. इसका रीजन ये है, 2019 इलेक्शन ईयर था, आपको इंटरिम बजट भी सीखने को मिलेगा, आपको फाइनल बजट भी सीखने को मिलेगा, आपको ऑर्डिनेंस भी सीखने को मिलेगा. इसी बीच अब डिस्कस करते हैं ऑर्डिनेंस, क्योंकि हमने एक्ट तो देख लिया कैसे बनता है, अब ये ऑर्डिनेंस नाम की चीज क्या है. बिकॉज ऑल दोज हु आर गिविंग इन मई 20 एंड नवंबर 20, दे आर ऑल्सो responsible to this ordinance, taxation ordinance 2019. Now, what is an ordinance? What is the power of ordinance? Are you aware what is an ordinance? ये किस तरह से ला लिया गया, क्यों ला लिया गया, क्या हुआ, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई कि एक ordinance लाना पड़ा altogether? आइए चलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स निकालते हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 123. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 123 गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट टू पास एन ऑर्डिनेंस. गिव द पावर टू द प्रेसिडेंट और गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट टू पास एन ऑर्डिनेंस. नाउ व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ऑर्डिनेंस सर, ऑर्डिनेंस इज अ लॉ. व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन and there is an urgent requirement to bring up a law, they bring up an ordinance. Article 123. Likhe mat, main sab likhwa ke dunga, tension mat lijiye. Right? Article 123, president ya governor in case of state ko power deta hai whenever the parliament is not in session to bring up a new ordinance which is as good as law. Ordinance has got same power. Ordinance has got same power as got act. एक्ट को जितना पावर होता है उसको भी सब्सटेंशियली उतना ही पावर होता है. लेकिन दो डिफरेंस होते हैं. पहला डिफरेंस, ऑर्डिनेंस जो होता है ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है. ऑर्डिनेंस जो होता है ये टेम्पररी पीरियड के लिए होता है. सो ये टेम्पररी पीरियड कितना होता है? जब भी ऑर्डिनेंस लाया गया, इसके बाद वेन एवर पार्लियामेंट कम्स इन टू सेशन अगेन, वॉट हैपन्ड इज दिस ऑर्डिनेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट एंड अप्रूवल इज टेकन. नाउ if parliament gives the approval, it becomes the part of the act. If parliament do not give the approval, from the date of reassembly of parliament, within 6 weeks ye ordinance automatically cease ho jata hai. So what is technically the maximum period of an ordinance? Parliament reassemble hone ke baad 6 weeks. आइए वेरासिटी चेक करते हैं. अभी जो ऑर्डिनेंस आया, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019, टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019 रिक्वेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिसके अंदर में इकोनॉमी नीचे जा रही थी तो कुछ अर्जेंट स्टेप्स लेने पड़े. हर जगह एक प्रॉब्लम चालू है, इकोनॉमी डाउन जा रही है. एंड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उन्हें कुछ डिसीजन लेने थे. द डिसीजन हैज बीन ब्रॉट इन एंड कॉर्पोरेट टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 22% एंड 15%. दिस वॉज इन न्यूज रिसेंटली, जिसके कारण मार्केट ने 1921 पॉइंट का जंप लिया एक ही दिन के अंदर में. राइट, दिस वॉज द रीजन बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स कट्स किए गए. ये लाया गया ऑर्डिनेंस के कारण. ऑर्डिनेंस लाने का पावर कहां से आया? आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट. अब ये कब तक वर्क करेगा ऑर्डिनेंस? ये ऑर्डिनेंस तो आ चुका है साहब, ऑर्डिनेंस अपडेट भी हो चुका है. अब इस ऑर्डिनेंस का क्या होगा? ये ऑर्डिनेंस वर्क करेगा पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन तक के. ऑब्वियस सी बात है, खुद मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं मेजॉरिटी लेकर के,
तो ऑर्डिनेंस बिकेम एक्ट, ये आप समझ के चलिए, क्योंकि मेजोरिटी लेकर बैठे हैं, अपोजिशन करने वाले कोई नहीं है, राइट तो ये एक्ट तो बने गए बने। अगर मान लीजिए अपोज हो जाता तो मैक्स कितने दिन तक के ये वर्क कर सकता था? 6 वीक आफ्टर द रीअसेंबली। ये है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। बट क्या ऑर्डिनेंस को सेम पावर है जितने एक्ट में लिखे हुए वर्ड्स को होता है? आंसर इज यस, जितने एक्ट में लिखे हुए वर्ड है उतना ही पावर होता है। हाउएवर इट इज जस्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। सो लेट अस अंडरस्टैंड लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग टू प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ईदर थ्रू पार्लियामेंट्री प्रोसेस और इन केस ऑफ अर्जेंट रिक्वायरमेंट देयर इज एन ऑर्डिनेंस। पार्लियामेंट्री प्रोसेस ग्रीन पेपर व्हाइट पेपर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट अप्रूवल बिकेम एक्ट। बट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन वन कैन ब्रिंग द लॉ बाय मेकिंग एन ऑर्डिनेंस। आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट वैलिड फॉर द लाइफ टाइम? नो, वैलिड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। व्हाट इज दैट लिमिटेड पीरियड? 6 वीक आफ्टर द पार्लियामेंट रीअसेंबल्स। Is it got same power as got act? Yes. जितना act को है बिल्कुल इनको भी उतना ही power है। आइए सर लिखते हैं law making का process। Makers, Ministry of Law and Justice, MOLJ. Draft is called as green paper. Final draft is called as white paper. Both houses of parliament President assent, it becomes an act. In other word, it is also called as supreme legislation. Hereinafter we will call as act as supreme legislation. Act jab bhi hoga, ye supreme legislation hoga. Highlighter hoga, to highlight kar lena in do part ko. So act is a supreme legislation. Second, ordinance कैसे आता है? Article 123 of Indian Constitution क्या रीसेंट वन कोई है? यस, 20 सितंबर 2019। सर तो क्या मई 20 और नवंबर 20 के लिए हमें ये ऑर्डिनेंस भी पढ़ना है? हाँ, आयरनी इज हाँ। और पता है जितने आपके दोस्तों ने, इनफैक्ट कुछ बच्चे मेरे भी, उन्होंने भी ऑलरेडी मई 20 का क्लास खत्म कर दिया है। साहब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। सर तो हम कैसे कवर करेंगे? एज आई सेड, अमेंडमेंट क्लास में मैं आपका सब कुछ कवर करके दूंगा, मेरी जिम्मेदारी, डोंट वरी। हालांकि अभी तक आपके कोई दोस्त होंगे जिन्होंने नहीं अटेंड किया होगा, उन्हें तुरंत बोलिए क्लास अटेंड करने को, एटलीस्ट मैं तो भी ये ले रहा हूं। अच्छा जी, आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, रीसेंट वन जो लाया गया इनकम टैक्स में लाया गया 20 सितंबर 2019 के दिन लाया गया। इट इज ब्रॉट व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन इट इज ब्रॉट व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन
प्रेसिडेंट मे टेक अप ऑर्डिनेंस and it will have same effect as law passed by parliament as law passed by parliament. बताइए कब तक के वैलिड होगा फटाफट. It is valid till 6 weeks from reassembly of Parliament. मजा आ रहा है. सो दिस वॉज द वेरासिटी कि अब जो हमें पढ़ना है वो एक्ट पढ़ना और ऑर्डिनेंस पढ़ना है. अब आपको उसका बेसिक पता है कि ऐसा क्यों होता है. पार्लियामेंट सेशंस में है एक्ट आ जाएगा, पार्लियामेंट सेशंस में नहीं है पर लॉ लाने की जरूरत पड़ रही है ऑर्डिनेंस आ जाएगा राइट. पर दोनों को वैलिडिटी सेम ही रहती है. ठीक है बात कर लेते हैं इनकम टैक्स. लॉ मेकर्स ने इंडिया के लिए क्या लॉ बनाया, हाउ दे केम अप विद द लॉ, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर था इनकम टैक्स को लाने का. आंसर वॉज येस देर वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर. हमने ऑर्डिनेंस का पावर तो देख लिया पर एक्ट लाने के पीछे भी तो कोई पावर होगा, कोई आर्टिकल वर्क कर रहा होगा. बिकॉज अगर इंडिया में कोई भी लॉ बनता है देयर हैज टू बी सम ऑफ द एंट्री इन द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज एवरी लॉ हैज गॉट मदर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट अस फर्स्ट ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी बिहाइंड द इनकम टैक्स. This is a constitutional validity behind the income tax has to be rationalized from Article 265. Article 265 talks about constitutional validity no tax can be levied or collected except by authority of law. Constitutional validity, Article 265. Now this minimum things could be asked in MCQ now. Constitutional validity, no tax can be levied or collected except by authority of law. No tax can be levied or collected except by authority of law. वापस से पढ़िए जरा इसको जोर से. No tax can be levied or collected except by authority of law. आप सभी लोगों ने MPCC पास किया कंफर्म. Obviously, क्या टैक्स में हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं. When we collect tax, do we only collect tax or there are some other portions also? What we collect? Cess and surcharge. A very simple basic question. आपका basic हिला देगा आज पूरा. क्या surcharge कलेक्ट करने का पावर है आर्टिकल के तहत. Then सरचार्ज कैसे कलेक्ट हो रहा है. आज जाना अपने दोस्त को पूछना बोला बता ये आर्टिकल 265 इधर तो वर्ड सिर्फ टैक्स लिखा है सरचार्ज कैसे कलेक्ट हो रहा. जाओ अपने कौले कौले ऑफिस के अंदर में उनको पूछना बेटा फाइनल में आने का है ना चल बता कैसा आया सरचार्ज किधर है इधर तो सिर्फ टैक्स लिखा है कैसा पढ़ाया रे तुमको मास्टर ने. जाने का उनके फुल मजे लेने के और पहले खुद तो सीख लो सरचार्ज का पावर है क्या. सरचार्ज लगा क्यों रहे हो और कहां से लगा रहे हो. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इसकी. यहां पे तो वर्ड टैक्स लिखा है
तो अब दो ही चीज हो सकती है, या तो टैक्स के अंदर सरचार्ज इंक्लूडेड होना चाहिए डेफिनेशन में, या तो फिर सरचार्ज के लिए कोई और आर्टिकल होना चाहिए जिसको अब तक तुमने पढ़ा नहीं। ये दो ही चीज हो सकती ना मालिक, बताइए साहब कैसे। वर्ड देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड। तो चलिए हम ढूंढने निकलते हैं इनकम टैक्स में कि क्या टैक्स वर्ड डिफाइंड है क्या। हम इनकम टैक्स में गए, इनकम टैक्स से पूछा, हे इनकम टैक्स मुझे बता व्हाट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने मुझे कहा, ब्रो आई डोंट नो, इनकम टैक्स टैक्स वर्ड डिफाइंड नहीं है। तो फिर नहीं है तो नहीं है। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। वर्ड देखिएगा क्या लिखा है, नो टैक्स, तो टैक्स वर्ड तो डिफाइंड ही नहीं है, फिर सरचार्ज कहां से आ रहा है, सेस कैसे लगाया जा रहा है, और इसे कौन यूज कर सकेगा, ये कहां लिखा होगा। क्या ये पैसा सिर्फ सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है या स्टेट को भी जाता होगा। आपने तो 100 मार्क का टैक्स पढ़ा है ना, आर्टिकल चिप भी किए 2 साल की, समझ आए क्यों जरूरी था बेटा। मैं आपको बता रहा हूं साहब, आपको बहुत चीजें सीखनी पड़ती। आपने अगर 2 साल Big 4 में भी काम किया होगा ना, तो ये पॉइंट आपके लिए नया है। ये मैं आपको, क्योंकि मुझे भी CA कंप्लीट करने के 2 से 3 साल बाद जब मैं बहुत ज्यादा डिटेल में गया तब समझ में आया। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ लर्निंग। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपको 100% सब कुछ पता है। देयर कैन नॉट बी यू नो अ डे कि यू से दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस। नो, देयर विल ऑलवेज बी, यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। डोंट कम विद एन अजम्पशन कि मेरे को तो ये आता ही है। ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपको नहीं आता, यस ऑर नो। एंड बिकॉज थियरी एंड प्रैक्टिकली, आप वहां जाते हो ऊपर इनकम डालते हो नीचे टैक्स आ जाता है, DT के चैप्टर के अंदर में यहाँ चुपचाप सॉल्व करना पड़ता है ये डिफरेंस, और यहाँ पे आपको आएगी बड़ी प्रॉब्लम। बिकॉज 2 साल के अंदर आप ये भूल चुके हो कि सरचार्ज पहले आता है कि रिबेट पहले आता है, और सेस कब लगाते हैं, फाइनल आंसर मिलता है ना। चले आइए, मस्ती नहीं लूंगा आपकी, आगे बढ़ते हैं। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो यहाँ पे पहला है नो, निगेटिव फ्रेमिंग है पूरी की पूरी। ना कोई टैक्स लगाया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कोई अथॉरिटी ना हो और लॉ ना हो। इसका हिंदी में ये मीनिंग है, ना कोई टैक्स लगाया जाएगा ना कोई टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जब तक अथॉरिटी ना हो और लॉ ना हो, ये उसका मीनिंग हुआ। सो लेट अस अंडरस्टैंड, व्हेन वी यूज द वर्ड टैक्स व्हाट इज इंक्लूड। टैक्स इंक्लूड टैक्स एंड ड्यूटीज। यहां से हमारी जिंदगी में एक और वर्ड अराइज हो गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटीज, डिस्कस करेंगे। पहले इसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। No tax can be levied or collected except by authority of law. So when we call as taxes, taxes also include the duty, the power to collect the duties. So government can collect the tax as well as duties. Can be levied. Levied, what do you mean by levied? Levied means imposed. No tax can be imposed. Aap pe nahi impose kiya ja sakta. Ya collect kiya ja sakta. What do you mean by collection? Collection means collection or recovery. It means collection or recovery. ना आप पे लगाया जा सकता है, ना collect किया जा सकता है, ना आपसे recover किया जा सकता है। ना लगाया जा सकता है, ना collect किया जा सकता है, ना recover किया जा सकता है, जब तक वहां कोई authority ना हो, कोई law ना हो। लेट्स गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। कल चल के निर्मला सीतारमन जी आती है फाइनेंस मिनिस्टर, एंड शी सेड आई एम ब्रिंगिंग अप अ न्यू टैक्स। रातों रात, रात 8 बजे, जिस तरह से नोटबंदी की गई थी उसी तरीके से रात 8 बजे आके बोलती है, आई एम ब्रिंगिंग अप अ न्यू टैक्स, न्यू इंडिया टैक्स। क्या ये इंपोज किया जा सकेगा? फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही है किया जा सकेगा, हेड ऑफ द मिनिस्ट्री, किया जा सकेगा? बोलो हाँ नहीं। आर्टिकल 265 रिस्ट्रिक्ट करता है, हर एक जन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। कहते हैं ना कोई टैक्स इंपोज किया जा सकता है ना कलेक्ट किया जा सकता है जब तक कि कोई
अथॉरिटी ना हो और लॉ ना हो। निर्मला सीतारमन जी ने आके बोल भी दिया कि मैं नया टैक्स लगा रही हूँ, न्यू इंडिया टैक्स, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी बिकॉज देयर इज नो लॉ। जीएसटी लगाने से पहले जीएसटी एक्ट लाना पड़ा था। नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आपके पास एक्साइज था, कस्टम था, वैट था, फाइनेंस एक्ट था, आपके पास जीएसटी एक्ट नहीं था, पहले लॉ लाना पड़ा, फिर एक अथॉरिटी बनानी पड़ी सीबीआईसी, और फिर जाके आप लॉ कल टैक्स कलेक्ट कर पाए और इम्पोज कर पाए। सो इसको उल्टा पढ़ो, पहले लॉ लाना होगा, लॉ लाने के बाद एक अथॉरिटी बनानी होगी जो इसको इंप्लीमेंट करे, कलेक्ट करे, और फिर टैक्स कलेक्ट करो और इम्पोज करो। इसको पढ़ना ही उल्टा है, समझ में आई बात? सो पहली चीज चाहिए लॉ। लॉ मतलब क्या? लॉ मतलब देयर शुड बी एक्ट और रूल्स इट कैनॉट बी इम्पोज्ड जस्ट लाइक दैट। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर लॉ। लॉ होना चाहिए, कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक दैट कोई आया, फाइनेंस मिनिस्टर आया, प्रधानमंत्री आया, बोला चलो हम एक नया लॉ लगा देते हैं। नहीं, देयर शुड बी अ प्रॉपर लॉ। देयर शुड बी अ प्रोसेस ऑफ ईदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द ऑर्डिनेंस। ईदर बाय द पार्लियामेंट और बाय द ऑर्डिनेंस देयर शुड बी अ लॉ। एंड सेकेंड, देयर शुड बी अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स अ बॉडी टू इंप्लीमेंट और गवर्न सच लॉ। देयर शुड बी एन अथॉरिटी। सो फर्स्ट यू नीड अ लॉ। जब भी कोई नया टैक्स लाना है या ड्यूटी लाना है, आपको पहले कानून चाहिए। उस कानून को गवर्न करने के लिए एक अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, सीबीडीटी, सीबीआईसी, एक बॉडी बनानी पड़ेगी। वो लेवी करेंगे और कलेक्ट करेंगे, जिनसे प्यार से कलेक्ट नहीं हो पाया उनसे रिकवर करेंगे, और तब जाके आपके सोर्सेस कलेक्ट होंगे टैक्सेस के। सो नाउ लेट अस इंटरप्रेट। हमने एक एक वर्ड को तोड़ दिया इसके अंदर के, आइए आगे बढ़ते हैं। लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकर्स को लॉ बनाना था। लॉ कैसे बनाएंगे? आर्टिकल 265 ने रास्ता दिया है। नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। सो फर्स्ट अगर लॉ चाहिए, सो देयर शुड बी अ एक्ट और ऑर्डिनेंस। इन दिस केस देयर शुड बी अ अथॉरिटी, देन लेवी, देन कलेक्शन। This is how it should be read it. So, हमारे मन में एक और सवाल उठा कि चलो ठीक है, आर्टिकल 265 ने अगर हम फोकस करें आर्टिकल 265 ने हमें जो पावर दिया है वो पावर दिया है सिर्फ टैक्स के लिए, पर सवाल उठता है सरचार्ज का क्या, सेस का क्या? क्योंकि जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं ऑफिस में, हम सरचार्ज भी कलेक्ट करते हैं, हम सेस भी कलेक्ट करते हैं। इनके पावर कहां से आ गए? वहीं से तो आए होंगे ना भाई साहब, क्योंकि टैक्स कलेक्ट करने का पावर तो मुझे दे रहा है। कौन दे रहा है? आर्टिकल नंबर 265 दे रहा है। टैक्स जो भी कलेक्ट होगा यह जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब क्या ये बीजेपी के पास जाता है? नो। क्या ये नरेंद्र मोदी साहब के पास जाता है? नो। क्या ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के पास जाता है? नो। ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देयर इज अ फंड, जितने भी टैक्सेस, ड्यूटीज, सरचार्ज एंड सेस कलेक्ट होते हैं, दीज ऑल बिकेम पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 265 ने नो डाउट मुझे टैक्स कलेक्ट करने का पावर दिया, सरचार्ज कलेक्ट करने का पावर मेरे पास कहां से आ गया भाई साहब? चाय पिलाओगे तो बताता हूं। जिंदगी में पहली बार समझिए आर्टिकल 271, और अब जाके ऑफिस में दिखाइएगा रॉब। आर्टिकल 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शक हो मोबाइल आपके पास है ओपन करके देख लेना। आर्टिकल 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं शर्त लगाता हूं ना कभी इंटर में पढ़ा होगा, ना फाइनल में जीएसटी हो गया होगा, उसके अंदर भी नहीं पढ़ा होगा कि सरचार्ज लगाने का पावर कहां से आ रहा है। आर्टिकल 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये पावर देता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे सरचार्ज लगाने का, टैक्सेस एंड ड्यूटीज पे सरचार्ज लगाने का।
इज इट डन? सेस अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. सेस इज एन एडिशनल लेवी विच इज अप्लाइड बाय दिस मीन्स ओनली. मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूं साहब, ये जो टैक्सेस आप कलेक्ट कर रहे हैं, क्या ये यूनियन अपने पास ही रखता होगा या इसे स्टेट में भी डिवाइड करता होगा? सेस क्यों यूज किया जाता है? याद होगा तो फॉर स्पेसिफिक पर्पस. जब सरकार का वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा हो जाए उस दिन सेस लगाना बंद कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ नाउ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज गोइंग ऑन. व्हेनेवर द मिशन विल बी कंप्लीट इट विल बी ऑटोमेटिकली अबॉलिश्ड बाय द गवर्नमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं क्या ये सिर्फ सेंटर रखता है या सेंटर स्टेट के साथ भी डिवाइड करता होगा? सर एक बात बताओ, हमें इतना सब क्यों जानना है? पढ़ो तो हद कर दो वरना रद्द कर दो. पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, तुम फाइनल में हो लाइफ में, इसके आगे कोई क्लासेस नहीं है. कल चल के अगर आपसे कोई पूछता है, एक छोटा सा बच्चा के जनरल नॉलेज ही पूछ लेता है कि ये टैक्स कौन रखता है, क्या जवाब दोगे उसको? नरेंद्र मोदी साहब अपने जेब में रखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जेब में रखता है, ये पैसा जाता कहाँ है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पीपल की आपसे ये एक्सपेक्टेशन होगी. एंड वेन यू आर एन एक्सपर्ट टू बी इन डीटी अकाउंट्स, ये पता होना जरूरी है. बोल मेरे भाई, आर्टिकल 270 जवाब है. सर एक बात बताओ, हम टैक्स पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं? पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो एक्ट पढ़ना चालू करेंगे. आर्टिकल 270, आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट व्हाटएवर टैक्सेस एंड सेस इज कलेक्टेड, टैक्सेस एंड सेस इज कलेक्टेड, दैट हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अ रेशो डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन. जो भी आप टैक्स या सेस कलेक्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 270 कहता है जो भी आप टैक्स या सेस कलेक्ट कर रहे हैं इसे शेयर करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इन अ रेशियो डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन. समझ में आई बात? टैक्सेस एंड सेस सरचार्ज नहीं, सरचार्ज इज ओनली केप्ट बाय यूनियन. आज ऑफिस में जाना, ऑफिस में जाके अपने छोटे आर्टिकल से नए नए आए होंगे उनसे पूछना, जिन लोगों का हो चुका होगा ना टैक्स का क्लास उनको जबरदस्ती छेड़ना, जाके बोलना भाई बता सरचार्ज शेयर होता है क्या? शर्त लगाता हूं वो बोल नहीं पाएगा. जब आप उसको ये आर्टिकल सहित बताओगे ना उसकी आंख में आंसू हो जाएंगे, बोलेगा भाई रिस्पेक्ट. क्या बोलेगा? भाई रिस्पेक्ट सर. टैक्स शेयर होता है, सेस शेयर होता है, यूनियन शेयर सॉरी सरचार्ज शेयर नहीं होता, सरचार्ज सिर्फ यूनियन के पास होता है. क्योंकि जब आप आर्टिकल 271 पढ़ेंगे, आर्टिकल 271 में बहुत सिंपल सी एक ही बात लिखी है, फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन, इट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ दिस टू. मैं अब आपको एक अंदर की बात बताऊं मजल लेने के लिए, मोदी गवर्नमेंट ने इस टाइम बहुत जबरदस्त काम किया. उन्होंने टैक्स सेम रखे, सेस सेम रखा, सरचार्ज बढ़ाया. आई होप अब आप समझ सकते हैं उनको खुद के पर्पस पूरे करने थे सिर्फ और सिर्फ इसलिए. सरचार्ज 25% और 37%, 25% 37 तक के लेके चले गए. सरकार के अपने खुद के ऑब्जेक्टिव है क्योंकि उनको पता था अगले 5 साल काम करना है, कई प्रोसेस निकालनी होगी जिसके लिए उनको फंडिंग चाहिए होगा, और फंडिंग सिर्फ एक ही चीज से आ सकती थी. अगर देखो टैक्स से कलेक्ट करते हैं, सेस से कलेक्ट करते हैं, इसको स्टेट में डिवाइड करना पड़ता, पर हर स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, सरचार्ज उन्हीं के पास होता अगले 5 साल. यह है रीजन सरचार्ज इंक्रीज करने का, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी तक के अपन खींच के लाए हैं कि क्यों आया, कहां से आया, क्यों यूज करेगा और कौन यूज करेगा. पॉलिटिक्स हैज अ लॉट टू डू विद टैक्सेशन. ऐसे ही योगा चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं बन गया, कई लोगों ने सपोर्ट किया होगा कैंपेन में, समझ रहे हो, कई बाबाओं ने सपोर्ट किया होगा कैंपेन के अंदर में, तब जाके योगा बिकेम अ चैरिटेबल एक्टिविटी. टैक्सेशन हैज अ लॉट टू डू विद पॉलिटिक्स.
और ये चलता रहेगा। हर लेक्चर में आपको इसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन जरूर बताऊंगा कि क्यों, कैसे और कहां से आया है। आइए समझते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, आर्टिकल 270, इट इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन अ मैनर प्रिस्क्राइब बाय प्रेसिडेंट और फाइनेंस कमीशन। सरचार्ज ओनली फॉर यूनियन, नॉट शेयर्ड। सेस अगेन आर्टिकल 270, इट इज अ पार्ट ऑफ CFI, इज दैट शेयर्ड? यस। सो आर्टिकल 265 ने हमें सिर्फ टैक्स का पावर दिया था, आर्टिकल 265 ने हमें सिर्फ टैक्स का पावर दिया था। सरचार्ज और सेस समझे कहां से आते हैं? आपको टैक्स को अगर रियली समझना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझना बहुत जरूरी होगा। तो अब तक क्या पढ़ा? आर्टिकल 265, आर्टिकल 271, आर्टिकल 270, आर्टिकल 123, ऑर्डिनेंस। सो 1 2 3 स्टार्ट। Whenever you bring up a tax, you bring up a tax by Article 265. There should be law, there should be authority. This is a part of Consolidated Fund of India. This will be shared among center and state. Cess, again Article 270 will be the part of Consolidated Fund of India and be shared. However, this shared amount can only be used for specific purpose. The shared amount in case of cess be only used for specific purpose. However, tax could be used for any purpose. As far as surcharge is concerned, surcharge is wholly and solely the right of union and cannot be shared. And hence, now the existing government only wants them to use the surcharge, and hence only surcharge is increased. Cess and tax remain the same in this finance act. Samajh rahe ho kitni gehri chaal hoti hai? So, अब एक बात तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, दैट टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आता है बेटा? टैक्स कलेक्ट करने का पावर कहां से आता है? आर्टिकल 265। लेकिन आर्टिकल 265 ने एक वर्ड यूज किया था, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी। नाउ हु इज द अथॉरिटी? सर इसके लिए हमें एक और आर्टिकल पढ़ना होगा, आर्टिकल 245। सर सच में बता दो, हम इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं सर? हम इनकम टैक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उन हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि किसी के मन में आया इसलिए ऐसे उठा के लॉ नहीं आया। मैं लॉ टीचर, आई एम अ टैक्स टीचर, मुझे आपको बताना जरूरी है कि लॉ आया है तो उसके पीछे की वैलिडिटी क्या है। 245 टॉक्स अबाउट अथॉरिटी, पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर होल और पार्ट ऑफ टेरिटरी। सो हु इज द अथॉरिटी? पार्लियामेंट गिव्स यू द अथॉरिटी। टेक्निकली पार्लियामेंट ने अथॉरिटी ली है, पार्लियामेंट अथॉरिटी लेगा किसी भी लॉ को बनाने की, और अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आर्टिकल 123 यूज होगा। सो ईदर यू मेक लॉ by article 245 or either you make law by article 123. So parliament has the power to make the law for whole or part of the territory, or article 123, yani can I say either for making the law we will use 123 or 245. At the same time wo article bhi aap log ko likhwa deta hu, article 270, taxes on income
अदर देन ऑन एग्रीकल्चर वी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड by president or finance commission. When we here use the word tax, it do include cess. अब तक हमने सिर्फ लॉ मेकिंग वाला पार्ट पढ़ा है, लॉ इंप्लीमेंटेशन एंड लॉ इंटरप्रिटेशन बाकी है। चलिए वापस से एक बार फटाफट पूरा रिकैप करेंगे, बहुत कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था, जल्दी से बताओ। टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो, लाया किसने था? जेम्स विल्सन। पहली बार फॉर्मल एक्ट कब बना? 1922। फिर इंडिपेंडेंट इंडिया का एक्ट 1961। रूल्स कब आए? 1962। एक सवाल अब भी जिंदा है, एक्ट और रूल्स में फर्क क्या है? ठीक है, लॉ बनाना है तो तीन प्रोसेस है। ऐसे ही लॉ मेकर को समझ में नहीं आया जाता, लॉ चाहिए। मैंने आपको बताया लॉ बनता है, इंप्लीमेंटेशन में जब जब प्रॉब्लम आता है ये कम्युनिकेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन में जब प्रॉब्लम आता है ये कम्युनिकेट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ब्रिंग अप अ ग्रीन पेपर, देन व्हाइट पेपर, देन देयर आर टू पार्ट्स। इफ पार्लियामेंट इज इन सेशन यूज आर्टिकल 245, विच लिंक हो रहा है आप सब। इफ पार्लियामेंट इन सेशन यूज आर्टिकल 245, हु विल ब्रिंग अप द लॉ? If Parliament is not in session, but there is a requirement of Act, Article 123, that brings up a ordinance power. Ordinance कितने दिनों के लिए valid होता है? 6 weeks after Parliament come into sessions. Yes or no? Okay. Whether ordinance and Parliament, जिसके through भी हुआ है, Article 123 or 245, has the same effect? Yes. They have got a same effect, same rights. Then Article 265, how tax collection power came into picture? Article 265, no taxes. Taxes means duties and taxes can be levied, imposed or collected, collection or recovery, except by authority of law. So whenever we need to collect the tax, there has to be a law, there has to be authority, authority either by 123 or 245, and there will be levy and collection, right? So what is law? You cannot impose the law just by that, raat mein aao declaration de do ki main naya law la raha hu, aisa nahi hoga. There has a formal process. आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। देन हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 265 ने तो हमें सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने का पावर दिया था, पर प्रैक्टिकली जब हम वर्क करते हैं तो टैक्स भी होता है, सरचार्ज भी होता है, सेस भी होता है। टैक्स आर्टिकल 265 बिकेम अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यूजिंग आर्टिकल 270, इट हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सरचार्ज इज कलेक्टेड एज पर आर्टिकल नंबर 271, विच इज नॉट शेयर्ड, ओनली किप्ड बाय यूनियन। सेस इज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, this is only for the specific purpose and it is a part of consolidated fund of India which is again shared. However, this amount can only be used for specific purposes. Yes or no? ये पूरे थे, यहां तक आर्टिकल 123, 245, 265, 270, 271, पांच कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिस्कस करी लॉ को बनने के पीछे। तो आज आप समझ सकते हैं कि एक्ट, टैक्स, सरचार्ज, सेस जो कलेक्ट हो रहा है, everything has got a constitutional validity. Recently 20th September 2019 को जो ordinance लाया गया, क्या इसकी भी constitutional validity थी? Yes, इसकी constitutional validity है and this it is constitutionally valid और अब ये work कर रहा है. So all those who are giving May 20 and November 20, be it CA, CS, CMA, right? This provisions are mutatis mutandis applicable to all. Let us come to the another part, law implementers. Of course, Parliament has, no doubt, Parliament has, created the law by passing it. But definitely you require a certain body to collect the tax, which has their own power to make the rules. Yes or no? Therefore, implementation, they come up with Ministry of Finance. There under Department of Revenue,
विच हैज ब्रिंग अप टू डिपार्टमेंट सीबीडीटी सीबीआईसी. सो दे हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. हेंस वेन एवर यू रीड एनी ऑर्डर समन सर्क्यूलर और एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बाय द डिपार्टमेंट यू विल ऑलवेज फाइंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू रिटर्न ओवर द हेड. राइट Now CBDT and CBIC, these are the two bodies, one who take cares of direct taxes and another who take cares of indirect taxes. As far as direct taxes is concerned, CBDT earlier used to handle three acts, direct tax, that is income tax, wealth tax and gift tax. Over the period of time, gift tax and wealth tax has been abolished and now CBDT is only handling direct taxes part. CBIC is now handling GST as well as custom. Earlier, this used to be CBEC. Now, this is CBIC. CBIC, Central Board of Indirect Taxes and Custom. Right now, this is handling two major parts, GST. Now, what are their powers? What are their substantial power? They issue order. And section 295 gives power to make rules for implementation. शायद पूरा गांव पढ़ाता होगा सेक्शन वन पहले. हम ही नालायक है जो जाके सीधा 295 पढ़ रहे हैं. सबसे पहला सेक्शन हम रीड कर रहे हैं सेक्शन 295. द इंप्लीमेंटर्स हैज पावर टू मेक रूल फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन. पूरा गांव शायद सेक्शन 1 पढ़ाता होगा पहले, असेसमेंट ईयर पढ़ाता होगा, प्रीवियस ईयर पढ़ाता होगा. मैं आपको 295 पढ़ा रहा हूं, सीधा एंड ऑफ इनकम टैक्स. इजी बहाने पूछ लेता हूं, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन इनकम टैक्स? 295, गुड. तो यहां से शुरुआत है. देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स. कितने? 298. स्टॉप, लिखिए मत, लिखाऊंगा मैं हर चीज, जितना सब बोल रहा हूं लिखाऊंगा और मेरे नोट्स में भी एज इट इज दिया हुआ है. चिल सर, देर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स. बोलने के लिए देर आर प्रिसाइजली 758 सेक्शंस. पूछिए कैसे? काउंट करते वक्त 80 को सिर्फ 80 काउंट किया गया है. 80 सी, 80 डी, 80 ई, 80 आई ए बी, 80 आई बी बी, सब अलग अलग सेक्शंस को काउंट ही नहीं किया गया. नंबर में सिर्फ 80 काउंट किया गया. 35, 35 सी 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 डी, 35 ई, 35 ए डी, 35 नंबरिंग में 35 है. अदरवाइज देर आर 758 सेक्शंस प्रिसाइजली. तो बोलने के लिए 298 सेक्शन है. हाँ, पर अगर एमसीक्यू पूछता है, अगेन यू हैव टू राइट देयर आर ओनली 298 सेक्शंस. पहला सेक्शन 295 कह रहा था, द बोर्ड हैज पावर टू मेक रूल्स फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन. राइट, इंप्लीमेंट करने के लिए जब दो बॉडी बनाई गई सीबीडीटी एंड सीबीआईसी, इनको पावर दिए गए हैं सेक्शन 295 में, वॉट एवर द रूल्स दे वॉन्ट टू फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ इंप्लीमेंटेशन दे कैन डू इट. Another is section 296. Section 296 certain rules, oblique notification be placed in front of both houses of parliament. Understand, whenever they will make rules, certain rules or notification which affects the right and responsibility of a taxpayer, that has to be brought in before both houses of parliament. Section 296 says they cannot arbitrarily make any rule. Some rule which do affect
the rights and responsibility of a party has to be brought in front of both houses of parliament and take the approval of parliament to pass these rules. So not all rules are directly as it is applicable. Certain rules has to be brought in front of parliament as per 296. Now, can you give me two examples? Yes, I can give you. First one is Aadhaar. At the time of Aadhaar, which was, you know, which has became a thumb rule by the government of, Modi government, unne specifically said ki Aadhaar will become mandatory. Directly apply kiya gaya tha. Directly ye rule la diya gaya tha that whenever you need to file any return of income or you need to have a PAN number, you must have a Aadhaar and link the Aadhaar along with the PAN. People raised agitation against this provision. And hence, this Aadhaar related laws has to be brought in front of parliament. There was a heated debate between the center and the opposition party with regards to Aadhaar. And many questions have been raised, which now has changed the provisions of Aadhaar. So, earlier Aadhaar was just brought in as a rule. Then there was a heated debate. And then they brought up a specific section, section 139AA. Because it cannot be just made by rules. There has to be a particular law. So it has to be passed by both houses of parliament. Then a separate act, then a separate section has been inserted in an income tax, section 139AA, which provide the applicability of Aadhaar. Then again, this is a history. There was a series of judgment. Is Aadhaar valid or not? What will be the constitutional validity? So on and so forth. But certain rules which affects the right and liability has to be brought in. Another one is notification. Can you give me one example? Yes. You might be aware about this concept called as ICDS, Income Computation and Disclosure Standards. And you know, like audit have their own standards, accounting has their own standard, income tax once decided, I should also have my own standards. Because accounting treatment and taxation treatments are different, obviously. So it has provided its own standard. A new notification has been brought. ICDS was provided by way of a notification. A new notification has been brought. Iske upar agitation shuru ho gaya. Because notifications jo aaye the, ye actually kai naye amendments lekar ke aa rahe the. Logon ne agitation leke aa gaya. How can you bring a new law by making a notification? There has to be an act. There has to be a parliamentary process. Agitation hua aur ICDS ke upar abhi behas chalu hai. Aapko bata dun, ICDS ke constitutional validity pe sawal uthaya gaya hai. Because ICDS mein kai aise provisions hai which is totally new in the income tax. There was no provision in the income tax altogether. And this has been changed. Now the agitation is going on. As of now, ICDS ki constitutional validity pe bhi sawal hai. Jab tak ye clear nahi ho jata. So again, Aadhaar aur ICDS aise points the jo rules to banaye gaye. लेकिन उसको बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा गया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी एंड सही चीज डिस्कस करने के लिए. सो 295 हमको बताता है कि बॉस दीज अथॉरिटी हैव पावर टू मेक रूल्स. हाउएवर रूल्स आल्सो कंटेन लॉ एट मेनी टाइम्स. फर्दर दीज रूल्स मेनी अ टाइम हैज टू बी व्हेनेवर देयर इज अ इफेक्ट ऑन राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैज टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट. Then the last section, section 298. In implementing law, CBDT has power to remove difficulties and issue order in this regards. बताइए साहब.
सेक्शन वन पहले पढ़ते हैं, खत्म पहले कर रहे हैं, 295, 296, 298। बट मैं शर्त लगाता हूं आप अग्री करेंगे इस तरीके से पढ़ने को। क्यों? क्योंकि ये पहले आपके पावर समझा रहा है और फिर उसके काम कर रहा है। 298, whenever in implementing there is a difficulty, they'll remove the difficulty and issue the order in this regards. ऐसा किया गया है, बहुत बार किया गया, सौ बार किया गया, removal of difficulties, right? For example, कई बार ऐसा हुआ था बीच में, खैर अभी तो ITRs में कोई भी हमें attachments नहीं करने होते, right? बट पहले ऐसा होता था कि हमें ITRs जो सुगम आता था और सरल आता था उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते थे। कई बार डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं हो रहे, अटैच हो रहे तो स्कैन नहीं हो रहे, स्कैन हो रहे तो वो प्रॉपर स्कैन नहीं जा रहा। सो मेनी टाइम यू नो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए वो बोल देते थे कि विदाउट इसके आप क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, इट विल बी एक्सेप्टेड, एंड इफ एंड AO को पावर दे देते थे दैट इफ ड्यूरिंग द असेसमेंट ही वॉन्ट ही कैन यू नो ही कैन डिमांड दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेट और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच नीड्स टू बी अटैच्ड। तो whenever अगर implementation में कभी भी कोई difficulty आ रही होगी, they will say कि boss ये मत करो या ये particular part को छोड़ दो और आगे बढ़ो, yes or no? So ऐसा हो सकता है, this is one implementation power. So वापस आते हैं, law maker, law implementer, law interpreter. Law maker ने law बनाया, implementer ने कुछ के ऊपर rules बनाए और उसको implement करना शुरू किया। कुछ रूल्स को बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सामने ले जाना जरूरी है और जब भी कोई डिफिकल्टी आएगी वो इसको रिमूव भी करेंगे। डन। अब तक हमने इंटरप्रेटर नहीं पढ़ा, जो हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। विल हैव अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक।
हाँ जी, सो वेलकम आफ्टर द ब्रेक. प्रायर टू द ब्रेक वी हैव डिस्कस्ड लॉ मेकर्स पावर, लॉ इंप्लीमेंटर्स पावर. नाउ वी विल लुक इनटू द पावर्स ऑफ लॉ इंटरप्रेटर्स. Now, can you tell me who are the interpreters? Interpreters are the authority which is set up by law to interpret the law or settle the grievances. Yes or no? See, lawmaker ne law bana diya, right? The implementer implemented it or made an effort to implement it. But actually, the interpretation of, you know, taxpayer and the interpretation of lawmaker may differ. Yes or no? Let's say a wording in the law, this benefit is available to company. Lawmaker put it in a very simple language, this benefit is available to company, but he failed to express domestic company or foreign company. At the same time, foreign company came and take this benefit. Now there could be an issue that lawmakers just wanted to be implemented to domestic company, but because of the interpretational problem or there is a loophole in interpretation, the benefit also goes to foreign company, and that's why there needs to be an interpreter who settle this dispute between the taxpayer and the department, and there has been three of them. The first and the supreme, however, this is called as subordinate legislation. Ye aap ek bar likh dijiye, subordinate legislation. Implementation is nothing but subordinate legislation. Now interpreter, the first and the supreme interpreter is called as Supreme Court. This in another world also called as apex court. Many a times in the institute module you will word use the word apex court. So whenever they use the word apex court, it is nothing but a supreme court only, highest court in India. Now supreme court, a person can refer to supreme court in two situations. Situation number one, when the question is framed by high court on a question of law. On a question of law. So whenever the High Court makes a question of law, then and only then Supreme Court can be referred. This has been provided in Article number 134A of the Indian Constitution, when you can appeal to Supreme Court. Supreme Court can be appealed in two situations. One, when there is a question of law which is framed by High Court. Ye yaad rakhna, jab hum chapter mein jayenge appeal mein, tab main ye part aapko wapas samjhaunga. जब हम अपील चैप्टर में होंगे, ये बहुत काम की चीज होगी जो मैं अभी बता रहा हूं. दैट हम सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकेंगे व्हेन, पॉइंट नंबर वन, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम्ड बाय हाई कोर्ट. सेकंड, व्हेनेवर योर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड, व्हेनेवर योर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर केस, यू कैन फाइल अ स्पेशल लीव पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट. व्हेनेवर योर फंडामेंटल राइट्स आर अफेक्टेड, यू कैन डायरेक्टली रिफर टू सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ स्पेशल लीव पिटिशन. So, apex court in two situations. Point number one, High Court frames a question of law. High Court frames a question of law. Second, by filing special leave petition, Article 134A, Article 136. So, Supreme Court must be noted that whenever Supreme Court passes a law, it has the same power as that of Parliament. It has got the same power as that of Parliament. Hence, whenever Supreme Court passes a decision, it becomes the law of land. It becomes the law of land. Whenever Supreme Court passes the law, it becomes the law of land, and hence, these are very, very interesting and important parts. Supreme Court, Apex Court. Apex Court has got only two situations. One, the question is framed by High Court on the question of law, and by filing a special leave petition when you feel your rights are affected in the Article number 136 to the Indian Constitution. Now, a question arises.
whether Supreme Court judgment can be reversed? Supreme Court judgment क्या reverse किया जा सकेगा? हाँ, होता है. By making a retrospective amendment in law. This has been held in a Vodafone case. In Vodafone case, Vodafone has been declared as not guilty. Then they have brought a retrospective amendment in law and thereby changed the whole judgment. So, department still hold one right by making a retrospective amendment in law. So, practically speaking, Supreme Court judgments are generally not affected. These became the law of land. However, if department wants, they can bring an retrospective amendment in law and thereby surpasses the Supreme Court judgment. So one of the situation which we will come across is Vodafone tax case, jo hum discuss karenge capital gain ke andar mein. Wahan aapko pata chalega ki kaise Supreme Court ke judgment ko overpass kiya gaya by making a retrospective amendment in law. The another court is High Court. Another court is High Court. Now, High Court can be applied for interpretation of law. If the question involves a question of interpretation of law, High Court can be applied. We file writ petition in High Court. Yaad rakhenge, High Court, writ petition, Supreme Court, special leave petition. High Court, writ petition, Supreme Court, special leave petition. Ye yaad rakhna hai aapne. Then we have the third interpreter called as tribunal. Income tax mein ITAT. Income tax appellate tribunal. For the matter of facts, it's last authority. Matter of facts related, ye last authority hai. If the question is on fact, that whether this deduction is allowed or not, if the question is related to fact, this is the last authority. If the question is related to law, one can go to High Court. तो यहां से याद रख लो, अभी से याद रखना, आप ITAT में question of law लेके जा सकते हो, question of fact लेके जा सकते हो, question of law लेके जा सकते हो, question of fact लेके जा सकते हो, लेकिन question of fact के लिए last authority है ITAT. High Court is the last authority for question of law. Supreme Court, the ultimate judgment. Yes or no? Now, question arises. Sir, क्या हमें इनके जजमेंट्स भी पढ़ने हैं क्या? आई थिंक मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको इनके जजमेंट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं. तो सर हमें इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ना है? बहुत सिंपल है बेटा, एक्ट पढ़ना है, रूल्स पढ़ने हैं, केस लॉ पढ़ने हैं, नोटिफिकेशन पढ़ने हैं, सर्कुलर पढ़ने हैं, कोई ऑर्डिनेंस आया वो भी पढ़ना है. सर मतलब, हाँ सब पढ़ना है. मतलब ये तो बहुत बड़ा है. डीटी का पेपर कभी शॉर्ट नहीं आता, पहले दिन ही बता रहा हूँ. डीटी का पेपर कभी शॉर्ट नहीं आता, इट इज ऑलवेज लेंदी, क्योंकि हमें इतना कुछ पढ़ना होता है. तो नेवर एक्सपेक्ट कि डीटी का पेपर कभी शॉर्ट आएगा. कभी अगर उसकी बीवी से झगड़ा नहीं हुआ होगा तो शॉर्ट पेपर दे सकता है. समझ में आ रही बात? अदरवाइज ये पेपर हमेशा लॉन्ग ही होगा, मैं पहले ही दिन बता रहा हूं. बाद में बिल्कुल चिले तो पेपर तो बहुत हार्ड था, बहुत लेंदी था, लेंदी ही होगा. और इसीलिए हम पूरी प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता है आप सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसीलिए क्लास में ही पूरी प्रैक्टिस सॉल्व करवा के लूंगा. जैसे मैं आपको इतने देर से लिखवा रहा हूं, दो मेरे नोट्स में सब कुछ कवर होगा और हम नोट्स के साथ साथ रीड भी करेंगे साथ साथ में, बट एट द सेम टाइम मैं आपको लिखवाऊंगा भी, क्योंकि आपकी लिखने की जो हैबिट है ये खत्म हो गई है. अकाउंट्स आपने लिखा नहीं, SFM आपने लिखा नहीं, लिखने का मतलब नो डाउट प्रोविजंस तो लिखी होगी, बट एक्चुअली DT, IDT, लॉ, ऑडिट, ये सब थ्योरी टॉपिक्स में आते हैं और यहां आपको लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए. हेंस ये पूरा लेक्चर जो होगा, मैं आपको साथ साथ में फ्लो चार्ट्स भी ड्रॉ करवा के दूंगा क्लासी के अंदर में, और साथ ही साथ में हम लोग नोट्स की प्रूफ रीडिंग भी करेंगे, राइट? चलिए सर, तो यहां तक के हम लोगों ने क्या देख लिया साहब? यहां तक के हम लोगों ने देख लिया. अब मैं आपको पूरा सिक्वेंस समझाता हूं लॉ का.
लॉ बनाया जाता है, लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है, लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है. जब जब भी इसमें प्रॉब्लम आती है, अगेन लॉ मेकर्स को रेफर किया जाता है टू मेक अ न्यू लॉ और टू अमेंड द एग्जिस्टिंग लॉ. कैसे पता चलता होगा डिपार्टमेंट को अमेंडमेंट लाना है? इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम से पता चलता है कि यहां पे ये प्रॉब्लम हो रही है, कुछ लोग टैक्स लूपहोल्स यूज कर रहे हैं और इन लूपहोल्स को भरने के लिए फिर से अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं. दैट्स हाउ अमेंडमेंट कम्स टू नो. उनको सपना नहीं आता कि अमेंडमेंट कर दो. इंप्लीमेंटेशन करते वक्त पता चलता है कि लॉ का ये लूपहोल निकाला जा रहा है और ये लूपहोल फिल करने के लिए अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं. सो एक्चुअली अमेंडमेंट प्रिस्क्राइब करने वाले वो और कोई लोग नहीं होते, वही इंप्लीमेंटर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को, स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं दैट दिस शुड बी अमेंडेड इन ऑर्डर टू कर्ब दिस लूपहोल. यस और नो? सो आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं. आज हमारा दिन पूरा बेसिक का ही है. मैं आपसे बड़ी सिंपल सी चीज पूछता हूं. आपने एक्ट तो सुना ही होगा, सेक्शन नाम की भी चीज सुनी होगी, नोटिफिकेशन नाम की भी कोई चीज सुनी होगी, हाँ या ना? और सर्कुलर भी सुना होगा. आइए इनका वरासिटी भी डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज एन एक्ट? हम कहते हैं ये एक्ट है. एक्ट मतलब क्या है? एक्ट मींस एनी एनैक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. एक्ट मींस एनी एनैक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. सो व्हाट इज एन एक्ट? एक्ट इज एनी एनैक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. आपको कौन सा एक्ट है? इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्ट. एनी एनैक्टमेंट पास बाय द पार्लियामेंट मे बी कॉल्ड एज एन इनकम टैक्स एक्ट. नाउ व्हाट इज अ सेक्शन? बिकॉज एवरी टाइम यू विल रीड सर्टेन सेक्शंस. नाउ व्हाट इज अ सेक्शन? It is a part of act. Can I say a systematic division of act or division of act in a systematic manner? Yes or no? Because whenever a person will read the law, usko agar aap bol de, main aapko mere interview question ki baat bata raha hu. Pehli baar jab CS bana, I was CS years in 21, so I was really very proud ki yaar bhai apne ko to ab to thoki denge. इंटरव्यू के लिए गया, वन ऑफ द बिग फोर, नाम नहीं बता सकता, वन ऑफ द बिग फोर के अंदर में गया. पहले दिन मुझे समझ में आ गई मेरी औकात क्या है. कैसे? मैं बिग फोर के अंदर में गया, इंटरव्यूअर ने सीधा सीधा एक्ट लाया और बोला सेक्शन 36 निकाल के दिखा. अरे क्या 36 निकाल के दिखा? अब तक के आज तक कभी एक्ट हाथ में पकड़ा नहीं, आर्टिकलशिप में एक्ट कभी देखा नहीं, क्या 36 निकाल करके दिखाऊंगा मैं? मैं उठ गया और वहां इंडेक्स ढूंढने लग गया. मुझे बेवकूफ को यह नहीं पता था कि इंडेक्स नहीं होता तालू में. मुझे नहीं मिल पाया, उन्हें पता चल गया कि इसके पास डिग्री तो है पर अब तक अक्कल नहीं आई है. साहब पता होना बहुत जरूरी है, सेक्शंस क्या होते हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे. सर सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एक्ट. आप किसी को भी बैर चीज उठा करके दे दोगे और ढूंढने बोलोगे तो ऐसा नहीं होता है. मैं एट द सेम टाइम आप सभी को बताऊंगा, मैं आप सभी से इस लेक्चर के दौरान एक समय पे एक्ट खरीदने की बात करूंगा. कॉम्पैक्ट आता है छोटा सा, 500-600 रुपए आपको अलग से स्पेयर करने पड़ेंगे, लेकिन ये आपकी जिंदगी का पहला एक्ट होगा और ये ऐसी चीज होगी जो आप अपने ऑफिस में रखेंगे भी. क्योंकि मैं आई फर्मली बिलीव कि आपको साथ साथ में एक्ट भी रीड करने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट क्लासेस है, इसके बाद आपके पास कभी क्लासेस नहीं होंगे और आपको बैर एक्ट रीडिंग की आदत होनी चाहिए. तो एक कॉम्पैक्ट बुक आता है, छोटा सा एक्ट का कॉम्पैक्ट साइज आता है, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला भी आता है. मैं आपको 500-600 रुपए खर्चा करने बोलूंगा और ईमानदारी से भरोसा करके खरीद लेना, राइट? और खुद के पास वो एक्ट रखना और लेक्चर के दौरान साथ साथ में उसको यूज भी करते रहना, राइट? पर एक समय आएगा, कौन सा पब्लिकेशन लेना है, क्या लेना है, मैं बता दूंगा, तब लेंगे अपन उसको, ठीक है? सो व्हाट इज अ सेक्शन? सेक्शन इज अ सिस्टमैटिक डिविजन ऑफ एन एक्ट. हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? देयर आर 298 सेक्शंस इन इनकम टैक्स एक्ट. आज जाना अपने छोटे आर्टिकल से जरूर पूछना, बता बेटा इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है, तेरा ग्रुप वन पास हो गया ना, बता नहीं पाएगा. तुमने उसको बताना बेटा 298 प्रिसाइजली 758. आंखों में आंसू आ जाएंगे, बोलेगा भाई रिस्पेक्ट.
सर एक मिनट, मैं जरा सा एवरेज बच्चा हूं, आप बहुत होशियार है, मैं एवरेज बच्चा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। कैन यू रीड दिस, हाउ टू रीड अ सेक्शन, रीड दिस। परफेक्ट। सबसे पहले क्या होता है, सेक्शन, फिर क्या होता है, सब सेक्शन, फिर क्या होता है, क्लॉज, फिर क्या होता है, सब क्लॉज। दिस इज हाउ वी रीड द सेक्शन, राइट। सेक्शन रीड करते वक्त ध्यान से सुनना, सेक्शन रीड करते वक्त यू विल ऑल्सो कम टू नो द अनादर वर्ड कॉल्ड एज प्रोवाइडेड, प्रोविजो। दिस इज नथिंग बट एक्सेप्शन टू सेक्शन। जब आप बेयर एक्ट रीड करते रहेंगे, राइट, जब आप बेयर टेक्स्ट रीड करते रहेंगे तो आपको प्रोवाइडेड या प्रोविजो दिखेगा। प्रोवाइडेड या प्रोविजो इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन टू दी अबव सेक्शन। जो सेक्शन आप रीड कर रहे हैं ये उसके पहले पैराग्राफ को एक्सेप्शन बोल करके आएगा। नो, प्रोवाइडेड एंड प्रोविजो बोथ नॉट आर सेम, दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बट जनरली प्रोवाइडेड एंड प्रोविजो दीज आर यूज अंडर द सेक्शन। प्रोविजो इज एडिशनल एक्सप्लेनेशन विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट ओनली, बट मैंने यहां जानबूझ के दोनों को एक साथ लिखा है। सो प्रोवाइडेड वर्ड जब भी मिल जाए आपको एक्सेप्शन में आएगा, प्रोविजो इज अ मल्टीपल एक्सप्लेनेशन, प्रोविजो वन, प्रोविजो टू, दिस इज अ फर्दर एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज सेक्शन। टेल मी समथिंग अबाउट नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के बारे में आप कितना जानते हैं। नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल टू पब्लिक एट लार्ज, गुड, ओके। कौन इशू कर रहा है, परफेक्ट, सीबीडीटी, बिकॉज पावर टू मेक रूल्स एंड रिमूव ऑफ डिफिकल्टी किसके लिए पास आती है, सीबीडीटी के पास, तो सीबीडीटी इशू करेगा, परफेक्ट। और चलिए कुछ सवाल पूछता हूं, इज नोटिफिकेशन बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, यस बाइंडिंग, इज इट बाइंडिंग ऑन असेसी एज वेल, यस इट इज बाइंडिंग, ओके। टेल मी नोटिफिकेशन एंड एक्ट आर कॉन्ट्राडिक्टरी, जनरली इट इज नॉट, बट सपोज इफ एक्ट एंड नोटिफिकेशन आर इन कॉन्ट्राडिक्शन, वट विल प्रिवेल, एक्ट और नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन विल प्रिवेल, परफेक्ट आंसर। क्यू, एक्ट स्पेसिफाई द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न इज 30th September, नोटिफिकेशन कम्स, ड्यू डेट इज एक्सटेंडेड, सो नोटिफिकेशन प्रिवेल ओवर एक्ट। गेटिंग इट ऑर नॉट, नोटिफिकेशन प्रिवेल्ड ओवर एक्ट, ओके। सर वेयर शुड आई फाइंड दिस नोटिफिकेशन, वॉट इज द प्लेस इफ आई वॉन्ट टू फाइंड दिस नोटिफिकेशन, मे बी द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in, यस ऑर नो। अनादर वेबसाइट इज नोटिफिकेशन इज ऑलवेज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट का अपना एक वेबसाइट है egadget.nic.in। मान लीजिए, ये मैं आपको क्यों समझा लिखवा रहा हूं, टेंशन मत लो, हर चीज जितना बोल रहा हूं सब लिखवाऊंगा, सुनो। मैं आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिर्फ सारे के सारे नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। अब मान लो इफ यू आर वर्किंग विथ लेट से एचपी, शेल और इंडेन, राइट, यू विल रिक्वायर स्पेसिफिक नोटिफिकेशन रिलेटेड टू दैट इंडस्ट्री, यू विल नॉट फाइंड इट ऑन इनकम टैक्स, देन यू विल रिक्वायर अ वेबसाइट egadget.nic.in। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, राइट। सो व्हाट इज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट और रूल्स। सो व्हाट इज नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन एक्ट और रूल्स। ऑल नोटिफिकेशन 6 months before exam are applicable. So
इफ यू हैव मे 20 नवंबर 19 तक का सब नोटिफिकेशन आपके काम का, इफ यू हैव नवंबर 20 मे 20 तक का सब नोटिफिकेशन आपके काम का, सो ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. सो इफ यू आर अटेम्प्टिंग मे 20, ऑल नोटिफिकेशन टिल नवंबर 19 आर एप्लीकेबल. वी आर इन अक्टूबर. सो अगर आप मे 20 दे रहे होंगे या नवंबर 20 दे रहे होंगे, ऑब्वियसली आपको अमेंडमेंट लेक्चर देखने होंगे क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आ सकते हैं. समझ में आई बात? एक्ट रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स आप लोग को है. मैं इसके साथ साथ ऑर्डिनेंस भी डिस्कस कर ही रहा हूं. जितने नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट नवंबर तक के इस बैच के दौरान आएंगे, ये नोटिफिकेशन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा ही. यस और नो? बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. इफ नोटिफिकेशन सुपरसीड्स एक्ट, सो नोटिफिकेशन सुपरसीड्स एक्ट. जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है, ये ओवर एंड अबव एक्ट रखा जाता है. रीजन बड़ा सिंपल सा है, बिकॉज नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. इमेजिन अगर आपका कोई फ्रेंड ने क्या चेंज किया है, फोटो चेंज किया है, आपको क्या आता है बेटा? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. वेरी सिंपल. सो नोटिफिकेशन कहां से मिल सकता है? दो वेबसाइट है जहां से आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं. पहला वेबसाइट है egadget.nic.in और दूसरा है incometaxindia.nic.in. ये मेजर दो सप्लीमेंट्स है जहां से आपको पूरे नोटिफिकेशंस मिल सकते हैं. हालांकि तीसरा बताऊं, मेरा सोशल मीडिया इसी काम के लिए ज्यादा यूज होता है. स्पेसिफिकली मेरा टेलीग्राम ग्रुप देख लो, मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप देख लो, वो सबसे पहले इसी के लिए. इनफैक्ट 2 अक्टूबर को, परसों के दिन, जो अमेंडमेंट आया वो भी उसके ऊपर अपलोडेड है. सो what is notification? Notification is communication of any change. All notification 6 months before exam are applicable. Notification supersedes the act. So notification will prevail over act, and this will be available on these two websites. Yes or no? Who issue the notification? CBDT issues notification. How CBDT has power? Power under section 119. This power is given under section 119. CBDT can issue notification. Hence, whenever the notification is issued, aaj jana office mein check karna, there will be power under section 119. 119 gives us the power to issue the notification. 119 of Income Tax Act. Now, let us come to circular. What is circular? Applicable to department. Meaning kya hota hai? जैसे सर्कुलर है तो उसका मीनिंग क्या होता है कि हाँ ये उसका मीनिंग होगा, ये पर्टिकुलर उसका मीनिंग होगा? वो तो नोटिफिकेशन था, चेंजेस लाया तो. दो चाय पेंडिंग हो जाएगी. हाँ बोल बोल बोल. हाँ, नोटिफिकेशन निकलता है. अच्छा, नोटिफिकेशन निकलता है. बताऊं पक्का? एक गेम खेलना पड़ेगा आपको मेरे साथ. ये क्या है? हाफ ग्लास ऑफ वॉटर. हाफ ग्लास ऑफ वॉटर विथ आइस. ग्लास हाफ फिल्ड. देर इज अ डस्टबिन. देर इज अ डस्टबिन. देर
देयर इज अ सोडा, विस्की, देयर शुड बी टी. अंडरस्टैंड? लॉ मेकर ने लॉ बना के रख दिया, लॉ इंप्लीमेंटर ने इंप्लीमेंट कर दिया. अब लोग जब इसे इंटरप्रेट करेंगे, हर आदमी अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे जा रहा है. कोई इसको पानी समझ रहा, कोई सोडा, कोई विस्की, कोई डस्टबिन विथ आइस, हाफ फिल्ड हाफ फुल. हर एक जन अपने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करे जा रहा है. एट द सेम टाइम आप सोच के देखिएगा, अ सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स विच इज इन मुंबई, विच इज इन पुणे, विच इज इन कलकत्ता, विच इज इन चेन्नई, कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन द सेम लॉ. Yes or no? Can have a different opinion on the same law? Because law maker ने law बना के रख दिया. वो थोड़ी ना आया था बताने के लिए कि implementation में क्या देखना है. Law जब implement हो रहा था department का, it is possible ना that assessing officer in Pune, in Mumbai, in Chennai, in Kolkata have a different view on the same law. Yes or no? Have a different view on the same law. अब just imagine if the department has a different view on the same law, how people will have trust over the department? How people have trust? Imagine तुम एक तुम एक डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर को जाके बोला बहुत जोर से पेट दुख रहा है. पहले वाले डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं गैस है जाओ. तुम्हारा फिर भी पेट दुख रहा था, तुम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं ये एसिडिटी है, तुमने ये दवाई लेनी चाहिए. तीसरे डॉक्टर के पास गए, ये लिवर सिरोसिस है. चौथे डॉक्टर के पास गए, तुम्हें वो हो गया जो नहीं होना था. इमेजिन लोगों का भरोसा उठ जाएगा डॉक्टर के ऊपर से अगर एक ही चीज के ऊपर अलग अलग ओपिनियन देने लग गए. एट द सेम टाइम हम एक ही चीज के ऊपर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा 50 लाख का टैक्स, दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल रहा है उसको अटेम्प्ट लगे थे 30 लाख का टैक्स, तीसरा बोल रहा हाँ उसको भी अटेम्प्ट लगे थे, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट हूं 10 लाख का टैक्स, चौथा बोला भैया मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं 5 लाख का टैक्स. लोगों का भरोसा उठ जाएगा अपने प्रोफेशन से. ठीक उसी तरह अगर सेम लॉ पे डिपार्टमेंट अलग अलग कार्रवाई करने लग जाए तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा डिपार्टमेंट से. And hence, circular has been brought. Circular is binding on department. Hence, circular is binding on department. बहुत बड़ा फर्क है दोनों लाइन में. Circular is binding on department. अभी मैंने आपको explain किया. Department cannot have different opinion on the same law. Hence, it is binding on department. So whenever it comes to the notice of CBDT that there has been a different treatment to the same Act, department brings up a circular which is circulated among the department to have the same opinion. Otherwise, logo ka department se bharosa uth jayega. Ye department ka view hua. Still, the taxpayer has the right to interpret in a different manner. Yes. Hence, it is binding on department, not binding on assessee, not binding on court, not binding on tribunal. They have the right to interpret in a way they want. But department cannot have a different view on the same thing. So let's say CIT Pune, CIT Mumbai, CIT Delhi, CIT Kolkata having a different view on the same circular. Cannot be possible. In order to bring the infirmity in the law, they has to bring up certain circulation, a standard form which is to be applied by the whole department. And whenever they want this infirmity amongst the whole department, they comes up with a circular. They comes up with a circular. So circular is binding on department, not binding on assessee, court or tribunal. Point one. Point two. Who issue the circular? CBDT. Again the power contained in section 119. Again the power contained in section 119. That they come up with a circular. All circular 6 months before exam are applicable. So again if you have May 20, November 19. If you have November 20, May 20. 6 months before. Will be applicable. Sir, where to find this circular? You can find this circular on the website of the incometaxindia.gov.in. Alternatively, many officers have a login of Taxman website. Yes or no? They have a annual subscription of Taxman. Many times, right? So you can also find it there. But the generally the circulars can be found out on Income Tax Department website. So circular. Clarification of any doubt. It is
बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट एंड नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी और कोर्ट और ट्रिब्यूनल. बॉस दिस विल बी एन एमसीक्यू. दिस विल बी एन एमसीक्यू. दिस इज इशूड बाय सीबीडीटी अंडर सेक्शन 119. अवेलेबल ऑन वेबसाइट incometaxindia.gov.in. मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, incometaxindia.gov.in. Done. Okay. So, sir, this was the another four words: Act, Section, Notification, and Circular. I hope you got these points, right? अब बढ़ते हैं आगे. मान लीजिए मुझे तीन चीज चाहिए इसमें. पहला, हु फाइल्ड अ सूट ऑन होम. दूसरा, इसको पूरा कैसे रीड करते. केस लॉस तो तुमने पढ़े होंगे बहुत, और हर जगह तुम सिर्फ ये देख लेते हो और ये नहीं देखते हो, ये छोड़ देते हो. तुम है कुछ तो है, क्यों नहीं देखा कभी कि ये क्या होता है, क्यों नहीं समझा ये क्यों होता है, और क्या अब हमें समझना चाहिए. हाँ, अब तो समझना जरूरी है, क्योंकि पढ़ो तो हद ही कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. किसने किस पे केस फाइल किया, धीरे धीरे जाते हैं. चिन्नैया ने रमैया पे या रमैया ने चिन्नैया पे. हु फाइल्ड अ सूट ऑन हुम, कैसे पता चलेगा. चिन्नैया फाइल्ड अ सूट ऑन रमैया. जो केस फाइल करता है उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है. पॉइंट वन. पॉइंट टू, ये क्या लिखा है 2018 IR ITR 16. इसका मीनिंग होता है दिस जजमेंट इज फॉल्ड इन 2018. इनकम टैक्स रूलिंग, दिस वॉज द 16th जजमेंट इन 2018. दिस वॉज द 16th जजमेंट इन 2018. दिस इज हाउ वी रीड इट. तो चिन्नैया फाइल द केस ऑन रमैया. दिस केस हैज बीन सेटल्ड इन 2018. सेटलमेंट डेट होती है कभी भी, फाइलिंग डेट नहीं होती, सेटलमेंट डेट होती है, क्योंकि तारीख पे तारीख. सेटलमेंट डेट, इनकम टैक्स रूलिंग्स, दीज आर द पब्लिकेशन विच इज इशूड. ऐसा ना, तो इनकम टैक्स रूलिंग्स, और ये 16वें नंबर पे मिलेगी. क्योंकि होता क्या है, जब आपको डिटेल में डिस्कस करना हो, क्योंकि आप कोई इश्यू आता है. अब देखिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ कैसे समझा जाता है, इसको कैसे हम ढूंढते हैं. आपको कोई इशू आ रहा है, आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे आपको एक जजमेंट मिल जाता है. लेकिन इस जजमेंट को डिटेल में स्टडी करने के लिए आप देखेंगे अपने ऑफिस में ब्लैक कलर की कुछ बुक्स रखी हुई होगी, अलग अलग जजमेंट्स होते हैं उनके अंदर में. आपके ऑफिस में इतनी सारी इनकम टैक्स की बुक कई सालों से पड़ी हुई है, राइट. आपने कभी उसको खोल के नहीं देखा. मैं आपको बताता हूँ उसको यूज कब होता है. और देखिएगा उन बुक्स में कहीं कहीं बीच में ना स्टिकी नोट्स लगाए हुए होंगे आपके बॉस ने, कहीं कहीं में बीच में स्टिकी नोट्स लगाए हुए होंगे. नाउ व्हाट इज दैट. कई बार क्लाइंट्स जब आता है इसके केस को रेफर करने के लिए, हम गूगल पे सबसे पहले सर्च करते हैं कि यार है क्या, क्योंकि तुम प्रैक्टिस में आओगे, जॉब पे आओगे, तो तुम्हें भी ये पता होना चाहिए, राइट. तुम सबसे पहले सर्च करते हो इस इशू का होना क्या चाहिए. वहां कहीं ना कहीं आपको एक जजमेंट मिल जाता है, लेकिन उस जजमेंट का रेलेवेंस आपके क्लाइंट के रेलेवेंस के साथ है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है.
क्योंकि हो सकता है केस लॉ जो हो वो किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ डील हो रहा हो और आपका क्लाइंट कोई और प्रोडक्ट के साथ डील कर रहा हो. इन दैट पर्टिकुलर केस आप सबसे पहले इस रूलिंग को खोलते हो. अब क्या होता है, कई बुक्स होती है, कई अलग अलग ऑर्थर्स होते हैं. यस और नो? इन ऑर्थर्स के पास आप जाते हो, इन ऑर्थर्स की बुक आपके ऑफिस में आती है, इन बुक्स को आप खोलते हो. ITR रूलिंग 2018 का बुक, हर साल का अलग बुक निकलता है, 2018 का बुक खोलते हो, उसमें केस नंबर 16 खोलते हो, तब आपको ये बुक मिलेगा, पूरा केस मिलेगा. चिन्नैया रमैया क्या केस हुआ था, किस किस ने क्या क्या बोला था, अपीलिंग्स के मैटर क्या थे और फाइनल कंक्लूजन किस डिसीजन पे निकाले गए, ये होता है उसके पीछे का पूरा गेम. अब आपको शायद समझ में आए CA प्रैक्टिस वर्क कैसे करती है. CA प्रैक्टिस ऐसे वर्क करती है, आपको लगता होगा बॉस क्या करता, सिर्फ AC लगा के दिन भर बैठा रहता, काम तो मैं करता है एज आर्टिकल. ऐसा नहीं होता, वो इतनी मेहनत करता है क्योंकि फाइनल जो वो काम करता है वो इस बेसिस पे करता है. दूसरी बात, आपको पता है इनकम टैक्स को रिप्लाईज देने होते हैं, जो नोटिसेस आते हैं नोटिसेस के रिप्लाई बनते हैं, वो रिप्लाई भी ये स्टडी करने के बाद होते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो रिप्लाई होते हैं, रिप्लाई में हमें रेफरेंस देना पड़ता है उन केसेस लॉ का जिनमें ये चीज हुई थी, ये सिचुएशंस हुई थी और इन सिचुएशंस के बेसिस पे क्या डिसीजन दिया गया, तब जाके हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कन्विंस कर पाते हैं कि हमारे क्लाइंट ने जो किया या हमने जो किया वो सही है. समझ में आई बात? तो जो आप रिप्लाईज भी बनाते हो वो इनके बेसिस पे होता है और इस तरीके से वो रिप्लाईज बनते हैं, राइट. हालांकि नाउ डेज देर इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रिप्लाईज इन ऑफिस, यस और नो? आप वो रिप्लाई बना के दे देते हो, लेकिन जब हियरिंग पे जाते हो ना, हियरिंग पे ये सब चीजों की जरूरत होती है, हियरिंग्स पे ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है और वहां से आप ये सारी चीजें निकालते हो, राइट. इसके अलावा आप कुछ ऑफिसर्स में बुक्स भी देखोगे जो रिप्लाईज के लिए ही बनी होती है सिर्फ, मतलब किस टाइम पे क्या रिप्लाई देना है या रिप्लाई कैसे ड्राफ्ट करना है. अब इतना टेंशन नहीं है, पहले ये सब होता था, अब तो गूगल पे मिल जाता है, कट कॉपी पेस्ट, क्लाइंट का नाम चेंज, डेट चेंज, साइन चेंज, गेम ओवर. बट प्रैक्टिकली हर केस में वैसा नहीं हो सकता, राइट. तो आपको अकॉर्डिंगली जो रिप्लाईज बनाने होते हैं, क्योंकि कई बार आप रिप्लाई देते हो पर AO सेटिस्फाइड नहीं होता, तो आपको उसके पीछे फिर साइटेशन ये वो सब डाल के देना पड़ता है, राइट. क्योंकि हम भी जब नए नए प्रैक्टिस में आए थे तो ऑफिस के जो फॉर्मेट्स थे वही हमने भी यूज किए, लेकिन पहला केस फेल हुआ, दूसरा केस फेल हुआ, तब जाके अक्कल आई कि नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम रिप्लाईज गलत कर रहे हैं. फिर रिप्लाईज के अंदर में क्या डालना शुरू किए, केस लॉज और रेफरेंस डालना शुरू किए. पहली बार CA बनने के 2 साल बाद मेरे को क्लिक हुआ कि इसको कैसे रीड करते, और मेरे को भी ऑनेस्टली, क्योंकि टीचिंग करते वक्त ये सब नहीं बताया जाता यार प्रैक्टिकली, तुम्हारे दोस्त से पूछना इसका क्या मीनिंग है, आज जाके पूछ लो तुम्हें पता चल जाएगा, उन्हें नहीं पता होता ये सब क्या रहता. कमेंट्रीज पढ़नी होती है. कमेंट्रीज क्या होता है, आप सोचिए एज अ टैक्स टीचर हमें कैसे पता चलता होगा कि लॉ को लाने के पीछे का क्या लॉजिक रहा होगा, उसके पीछे कमेंट्रीज पढ़नी पड़ती है. कमेंट्रीज से आपको पता चलता है कि क्या बेसिस था, क्या मॉडल था, क्यों चेंज लाया, उसके पीछे लॉजिक क्या था. फिर मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनिंग फाइनेंस एक्ट निकलता है कि सरकार का आज ऑब्जेक्टिव क्या है इसको चेंज करने का, तो पूरी हिस्ट्री एंड ऑल वहां से पता चलता है. यू समझ लो सेक्शन के पीछे का 712 पता है, हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी, बिल्कुल सेक्शन के पीछे का 712 पढ़ना है आपको. कमेंट्री पढ़नी पड़ती है, रूलिंग्स पढ़ने पड़ते हैं, जजमेंट्स पढ़ने पड़ते हैं, गेटिंग इट? चला आ जा मेरे भाई. सो अच्छा एक मिनट, एक सवाल तो मैं पूछना ही भूल गया, बताइए एक्ट और केस लॉ दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में, ऐसा हो सकता है? हजारों बार हुआ है. एक्ट और केस लॉ दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में, बताइए क्या करेंगे, क्या पहले फॉलो होगा, एक्ट या केस लॉ? केस लॉ ही होगा. सर, फर्स्ट यू शुड लर्न हाउ टू रीड लॉ. फर्स्ट देर शुड बी रीडेड द एक्ट. सबसे पहले आपको जाना है एक्ट रीड करने. हाउ टू रीड लॉ, किसी भी लॉ को रीड करना है, बीट कंपनीज एक्ट, बीट इनकम टैक्स, बीट GST. फर्स्ट गो टू एक्ट फॉर डेफिनेशन. सबसे पहले आपको कहां जाना पड़ेगा, सबसे पहले भाई साहब आपको जाना पड़ेगा एक्ट के अंदर उसका डेफिनेशन ढूंढने के लिए. इफ एक्ट इज साइलेंट, देर इज अ जनरल क्लॉज एक्ट.
देयर इज अ जनरल क्लॉज एक्ट. अगर एक्ट साइलेंट है तो जनरल क्लॉज एक्ट में जाते हैं टू चेक द मीनिंग. आइए समझते हैं ये क्या है. बेटा जनरल क्लॉज एक्ट एक जनरल लॉ बनाया गया है जिसमें कई रैंडम चीजें डिफाइन की गई है जो स्पेसिफिकली एक्ट में नहीं डिफाइंड होती. जनरल क्लॉजेस एक्ट के अंदर में वो डिफाइंड है कि किसी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग क्या होना चाहिए. राइट सो अगर आपको इनकम टैक्स स्पेसिफिक एक्ट साइलेंट मिले यू हैव टू गो टू जनरल क्लॉज एक्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग. इफ दिस इज ऑल्सो साइलेंट फॉलो अ केस लॉ. अगर एक्ट में कुछ नहीं दिया सिर्फ और सिर्फ तभी आप केस लॉ देखेंगे क्योंकि केस लॉ हजारों हैं लाखों हैं. आप हर केस लॉ को फॉलो नहीं कर सकते. पहले एक्ट, एक्ट में कुछ नहीं मिला तो केस लॉ. ये चीज हम यूज करेंगे जब हम कैपिटल गेन पढ़ते रहेंगे. उसमें एक बहुत जबरदस्त बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट आता है मंजुला शाह वर्सेस सीआईटी. मंजुला शाह आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं करते. फर्स्ट यू अप्लाई द एक्ट देन यू अप्लाई मंजुला शाह एज एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन. ये उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है. राइट और कुछ चीजें ऐसा होता है कि एक्ट में भी नहीं है केस लॉ में भी नहीं है. वी फॉलो कस्टम. सर कस्टम एक्ट नो. आई सेड वी फॉलो कस्टम. जो सालों से चलते आ रहा है हम वो फॉलो करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरी 31st जुलाई एंड 30th सितंबर यू फाइल रिटर्न. व्हाट इज द रिटर्न? न एक्ट में दिया है न केस लॉ में दिया है. सालों से इसे रिटर्न बोला जा रहा है इसलिए रिटर्न. एक सीए फाइनल स्टूडेंट ने हद कर दी पिछले के पिछले बैच में. शी आस्क्ड अ वेरी पोलाइट क्वेश्चन. सर व्हाई वी फाइल रिटर्न जब वो वापस ही आने वाला रहता? मैंने बोला बेटा तुम्हारा डमी हुआ है. बोले सर आपको कैसे पता? मोला समझ गया. व्हाई वी फाइल रिटर्न जब वो वापस है? रिटर्न का मीनिंग समझ रहे हो? शी टुक लिटरल इंग्लिश मीनिंग रिटर्न. और ये उसका क्वेश्चन एकदम लॉजिकल था क्योंकि ये कहीं भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, कोई केस लॉ डिफाइंड नहीं करता. एक कस्टम है सदियों से चले आ रहा है, हम भी वही फॉलो कर रहे हैं. अनदर एग्जाम्पल रीड दिस. ए कौन से एक्ट में लिखा है इसको ए रीड करना है? एबीसीडी एक्ट. कौन से केस लॉ ने बोला इसको ए रीड करना है? सालों से चुपचाप कस्टम के तहत हम ए रीड करते आ रहे हैं, ए रीड करेंगे. समझ में आई बात? इनको कोई एक्ट नहीं है, इनको कोई केस लॉ नहीं है, सालों से सदियों से इसको ए रीड कर रहे हैं, हम ए रीड करेंगे. स्टैंडर्ड कस्टम. समझ में आई बात? तो हर चीज जरूरी नहीं वो एक्ट में लिखी हो, जरूरी नहीं देयर इज अ केस लॉ. कुछ चीजें कस्टम से चलती आ रही है उसको कस्टम फॉलो किया जा रहा है. समझ में आ रही बात? ओके साहब अब आते हैं केस लॉ को कैसे रीड करें. हाउ टू रीड केस लॉ. चेन्नईया वर्सेस रमैया 2018 ITR 28 दिल्ली हाईकोर्ट. आपको ऐसा पूरा लंबा दुनियादारी मिलेगी. He filed the suit person on whom allegation is made decided in case number कोर्ट डिटेल. दिस इज हाउ वी रीड द केस लॉ.
डन सर। चलिए दी अनदर पॉइंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। मैंने आपसे कहा था हम ये डिस्कस करेंगे और अब वो वक्त आ गया है जब आप ये डिस्कशन के लिए रेडी हो जाए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। याद है इंप्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी इंप्लीमेंटर्स पे। इंप्लीमेंटर्स कौन? सीबीडीटी ब्रिंग्स अप द लॉ 296, सर्टन रूल्स नोटिफिकेशन हैज टू बी ब्रॉट बिफोर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, रिमूविंग ऑफ डिफिकल्टी का पावर 298 भी उन्हीं के पास। सो एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। हेंस क्या हम जब पढ़ते रहेंगे हमें सिर्फ एक्ट पढ़ना है या एक्ट के साथ साथ रूल्स भी पढ़ने हैं? एक्ट विथ रूल्स पढ़ने होंगे कभी भी। हालांकि आपको जब आप बेयर एक्ट खरीदेंगे आपको कंपनीज एक्ट विथ रूल्स मिल जाएंगे, इनकम टैक्स विथ रूल्स वाली बुक्स बहुत कम होगी। वो होगी भी तो बहुत बड़े साइज की होगी। उसका रीजन ये है इनकम टैक्स में इतने सेक्शन है तो उसके रूल्स इंप्लीमेंटेशन भी बहुत बड़े हैं, तो आपको कोई कॉम्पैक्ट साइज के अंदर में नहीं मिलने वाला ये, राइट? चलिए आइए, आप लोगों ने कुछ और चीजें भी एक्ट से रिलेटेड पढ़ी होंगी, शेड्यूल अनेक्स्चर। ये दो वर्ड भी सुने हुए लगते हैं, शेड्यूल में दिया है अनेक्स्चर में दिया है। शेड्यूल में दिया है अनेक्स्चर में दिया है। व्हाट इज अ शेड्यूल? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इनकम टैक्स? सर अब ये नहीं मालूम, हमारे को ये तो नहीं मालूम रहेगा कभी जिंदगी में। दो साल की आर्टिकलशिप हो गई तुम्हारे नालायक को, तुम्हारे को ये नहीं मालूम शेड्यूल क्या रहता है और शेड्यूल कितने बाइफरकेशन। अनेक्स्चर क्या है? अच्छा ये दोनों कहाँ मिलेंगे? अपा बड़ोन चौक पे मिलेंगे? हाँ वेबसाइट। आज ना कंफर्म जाना और आज ना तुम तुम्हारे ऑफिस में ना पूरे ऑफिस के आर्टिकल को बैठा के लंच पे ले लेना, डायरेक्ट रडार पे ले लेना। या जिनका तुम्हारे दोस्तों का डीटी हो गया होगा ना उनको बोलना तू आ और अब मैं तेरे को बताता हूँ ज्ञान। उनको ले करके बैठना और बताना कि ओरिजिनल में फाइनल में डीटी में पढ़ने में होता क्या है। सर व्हाट इज शेड्यूल? सर शेड्यूल्स आर ऑलवेज बिहाइंड द एक्ट, एक्ट के पीछे मिलेगा हमेशा। जैसे ही एक्ट के 298 सेक्शन खत्म हुए वहां से शेड्यूल चालू हो जाएगा, तो शेड्यूल हमेशा एक्ट के पीछे मिलेगा। मैं आपसे थोड़ी देर पहले मेरे इंटरव्यू की बात कर रहा था, जब मैं सेक्शन नहीं बता पाया तो उन्होंने मुझे बोला शेड्यूल निकाल के दिखा, मैं ये भी नहीं निकाल पाया। फिर मैंने प्रॉपर एक्ट खरीदा और जब जाके देखा तो मुझे समझ में आया मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। एक्ट के पीछे ही होता है शेड्यूल। देर आर 14 शेड्यूल्स इन इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स में कितने शेड्यूल है? 14। हालांकि मैक्सिमम जो है वो अब यू नो ओमिट कर दिए गए हैं, कुछ ही शेड्यूल है जो वर्क कर रहे हैं। शेड्यूल जनरली कंटेन फॉर्मेट्स एंड डिटेल्स ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट। जनरली शेड्यूल होता है इसके अंदर में फॉर्मेट्स दिए होते हैं मैक्सिमम केसेस में। हालांकि ये लॉ मेकर का डिसीजन होता है उसे शेड्यूल में क्या देना है। मेनी टाइम वो कुछ डिटेल्स दे देता है एक पर्टिकुलर चीज की। अनेक्स्चर्स क्या होते हैं? अनेक्स्चर्स इज बिहाइंड द शेड्यूल। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं एक्ट में क्या होगा, एक्ट में पहले पूरे सेक्शन होंगे, उसके पीछे शेड्यूल होगा, उसके पीछे अनेक्स्चर होगा। कंटेन एक्सप्लेनेशन एंड टेबल ऑफ फीस। कंटेन एक्सप्लेनेशन एंड टेबल ऑफ फीस।
Now, what do you mean by explanation and table of fees? Sir, very simple. Sir, as a chartered accountant, कैसे decide करोगे किस चीज के लिए कितनी fees लेनी है? Assume yourself a chartered accountant. मैं आपके पास as a client आया, मैंने आपको बोला ये काम करना है. How you decide की इतनी fees लेनी है? मार्केट में जितनी चल रही होगी अपन भी उतनी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होता है. कब खुद से डिसाइड करोगे कि मार्केट को तोड़ने के लिए या मार्केट में ऊपर जाने के लिए फीस बढ़ानी कम करनी पड़ेगी? पर तुम्हें कैसे समझेगा कितनी करनी है? सबसे पहले एज अ सी ए, सी एस, सी एम ए, एडवोकेट, जो भी प्रोफेशन में आप हैं, राइट, एज अ प्रोफेशनल हम सबसे पहले जाते हैं टेबल ऑफ फीस में. टेबल ऑफ फीस में वी कम टू नो वॉट इज अ पर्टिकुलर फीस वी हैव टू पे टू गवर्नमेंट. Then in that fees, we add our professional charges. That's how we quote a fees to client. This is the basis. It is not that जो अपने मन में आया उठा के बोल दिया. हाँ, client compare करेगा. पहली बार तो तुम उसको बेवकूफ बना दोगे. He cannot be fooled at all the times. Yes or no? If you want to retain the client for long, go to table of fees. Understand for what activity, how much is the fees or payment we have to make to government. Then add your professional charges in that fees. That's how became a total fees payable plus GST if any registered. That's how you quote a complete figure. Yes or no? आज तक आपने offices में bill बहुत बनाए होंगे office, you know, sir के behalf पे. लेकिन sir ने कैसे amount बोली आपने ये नहीं पूछा sir को. जाना था, पूछना था. Article chip में तुम्हारा ये हक था. सर हम क्या पूछते, हमको तो stipend बहुत मुश्किल से मिलती थी sir. बोल बोल के पूछना चाहिए था कि सर आप ये 15,000 ले रहे हैं, क्या आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं 15,000 आपने कैसे डिसाइड किया? बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट एम्प्लॉई, यू आर ऑल्सो अबाउट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, व्हाटएवर प्रोफेशन यू आर गोइंग ऑन, राइट. आपको भी वहां पे जाके क्या करना है, अपनी फीस डिसाइड करनी है. कैसे डिसाइड करोगे आपकी फीस क्या होगी? यू विल गो टू अनेक्सचर, फाइंड टेबल ऑफ फीस, एंड देन यू विल डिसाइड व्हाट फीस यू नीड टू कोट टू क्लाइंट. एट द सेम टाइम you must not quote a fees below the market rate. This in short term will give you the benefit of, you know, attracting the clients, but at the same time this will not be a long term solution, because one or the another day you will increase the fees because of the quantum of work, and at that time somebody who is new will take up the work. This will destroy your profession as well. This should you should not do, right? So understand the fees and then decide your professional fees. Might be 500 here and there is okay, right? But you should not. सामने वाला tax audit कर रहा 10,000 में 5,000 में ही करूँगा. This should not be the case. So these are annexures. Are they part of the act? Yes, they are part of the act. They needs to be followed. Is that done? चलिए. हमें पढ़ना क्या है? Income Tax Act 1961, isn't it? पिछले 2-2.5 घंटे से हम सिर्फ एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, एक्ट. हु मेक्स द एक्ट, हु इंटरप्रेट द एक्ट, हु इंप्लीमेंट द एक्ट, व्हाट इज एक्ट, हाउ टू रीड एक्ट, हाउ टू रीड केस लॉ, हाउ टू रीड केस लॉ विद एक्ट, हाउ टू रीड नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर अलॉन्ग विद एक्ट. हम पिछले 2-2.5 घंटे से एक ही वर्ड डिस्कस करे जा रहे हैं और उसका मीनिंग है एक्ट. अब आते हैं हम दूसरे वर्ड पे, 1961. 1961. यार मुझे एक बात बताओ, 2 साल पुरानी मैं शर्ट नहीं पहनता, 2 साल पुरानी मैं गाड़ी नहीं चलाता, 2 साल पुरानी मैं, तो 1961 का लॉ 2019 में फॉलो कर रहा हूं, 2020 में फॉलो कर रहा हूं, क्या लॉजिक है यार इसका? सोच के देखिएगा. तो 2 साल पुरानी मैं शर्ट नहीं पहनता, 2 साल पुरानी गाड़ी नहीं चलाता, 2 साल पुरानी, तो ऐसा क्या है कि 1961 का लॉ मैं आज तक 2019-2020 तक के फॉलो करे जा रहा हूं? कुछ तो लॉजिक होगा. लेट अस डिस्कस द वर्ड अमेंडमेंट. अंडरस्टैंड, 1961's लॉ वी आर फॉलोइंग इन 2019-20 जस्ट बिकॉज द अमेंडमेंट्स, जस्ट बिकॉज द वर्ड अमेंड, बिकॉज लॉ इज नॉट चेंज. व्हेनेवर there is a changes, the changes has been brought in through amendments. Hence, law need not to be changed. It is as fresh in 2019 as it was 1961. It is as fresh because every time
विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द एडवेंट ऑफ टाइम, देयर इज एन अमेंडमेंट्स. अर्लियर देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स. नाउ द इनकम टैक्स हैज गॉट द इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एज द वर्ड्स इन प्रिस्क्राइब्ड इन लॉ. देयरफॉर अमेंडमेंट्स आर देयर. अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट अप थ्रू बजट्स, यस और नो? अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन थ्रू बजट्स, यस और नो? यू आर सो लकी. सर आप हमारे को लकी लकी बोल के बैंड बजा रहे हो ना, सच्ची में. यू आर सो लकी दैट इन 2019 यू हैव गॉट टू बजट्स. वन इज इंटरिम बजट, अनदर इज फाइनल बजट, इजंट इट? वन इज इंटरिम बजट, अनदर इज फाइनल बजट. लेट अस अंडरस्टैंड बोथ. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इंटरिम बजट? पहला, क्या आपको इंटरिम बजट पढ़ना है? हां, May 20, November 20 प्रोफेशनल्स CACSCA नीड टू लर्न इंटरिम बजट. व्हाई? बिकॉज इन 2019 देयर वाज इंटरिम बजट. कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट इंटरिम बजट? और क्या इंटरिम बजट की एप्लीकेबिलिटी आप लोग को है? जी हां, बिल्कुल है. कैन यू टेल मी व्हाट इज इंटरिम बजट एंड हाउ इट इज इफेक्टेड? सी, व्हेनेवर देयर इज एन इलेक्शन, इन द ईयर ऑफ इलेक्शन द एग्जिस्टिंग पार्टी ओनली इशू इंटरिम बजट. एग्जिस्टिंग पार्टी ओनली इशू इंटरिम बजट एंड द फाइनल बजट विल बी प्रेजेंटेड बाई द न्यू गवर्नमेंट. Whomsoever it is, new government will present the final budget. So since it's the fifth year, every 5 years there is an interim budget. Last interim budget was in 2014. Now 2019, there is an interim budget because this was an election year, right? Interim budget was brought on 1st February 2019. This was presented by CA Piyush Goyal. Might have heard. Yes or no? This was presented by CA Piyush Goyal. Now, is interim budget valid for the whole year? Yes, interim budget is valid, but it is valid only for 6 months. That is the term remaining of the outgoing political party. Right? Jaise इलेक्शन अगर होगा, ऑब्वियसली बात है बजट्स तो फरवरी के अंदर में ही आ जाते हैं, राइट? बजट कब आता है? सर बजट आता है एवरी ईयर 1st February. दिस वाज अ कॉलोनियल रूल कि हम लोग 28 फरवरी को बजट्स लेके आते थे. दिस कॉलोनियल रूल हैज बीन चेंज बाय लेट श्री अरुण जेटली, दी एक्स प्राइम मिनिस्टर, सॉरी एक्स फाइनेंस मिनिस्टर. उनने ये कॉलोनियल रूल चेंज किया था और बजट्स को 1st February पे लेके आया था. एक कॉलोनियल रूल ये भी था कि 21st February को रेलवे बजट आता था एंड 27 February को फाइनेंस बजट आता था. बट दिस कॉलोनियल रूल हैज बीन चेंज एंड इन 1st February एवरी ईयर यू विल हैव अ रेलवे बजट एंड फाइनल, यू नो, रेलवे बजट एंड फाइनेंस बजट साइमल्टेनियसली प्रेजेंटेड, राइट? सो हियर एंड आफ्टर ऑन एवरी 1st February देर विल बी अ बजट, रेलवे बजट एंड फाइनेंस बजट, राइट? नाउ ऑन 1st February 2019 सीए पीयूष गोयल on behalf of Shri Arun Jaitley presented the interim budget. Now this interim budget is valid only for 6 months. However, all the amendments has been brought in through interim budget are applicable. Is saal kya interim budget se kuch amendments laye gaye kya? Sab major isi se aaye. Surcharge rate has been increased by from 15% to 25% and 37% of an income exceeding 2 crore and 5 crore. This amendment has been brought by interim budget, which was later on confirmed by final budget. Yes or no? Interim budget. Now final budget. This was brought in on 5th of July 2019. I'm just confused with the date. मैं आपको इस पर रिक्लैरिफिकेशन वापस से कल दे दूंगा. 5th of July था या 5th of August था, जहां तक कि मेरा मानना है शायद 5th of July था, बट मैं आपको ये डेट एक्चुअली रिकन्फर्म कर दूंगा. हालांकि इससे आपके आंसर पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है?
फाइनल बजट 5th ऑफ जुलाई और 5th ऑफ अगस्त, मैं सिर्फ एक बार आपको देख करके कल कंफर्म करता हूं। फाइनल बजट किसने प्रेजेंट किया? फाइनल बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय, बोलो भाई, बाय निर्मला सीतारमण। कुछ चीजें चेंज हुई, मैं आपको बताता हूं क्या। सर जो चीजें चेंज हुई वो ये थी कि एक और कॉलोनियल रूल चेंज हुआ जब फाइनल बजट आया। जनरली 5th of July, या थैंक यू, सो दिस हैज बीन कंफर्म, दिस वाज 5th of July ओनली। नाउ देयर वाज अ कॉलोनियल रूल, व्हेनेवर बजट वाज प्रेजेंटेड, बजट वाज ऑलवेज प्रेजेंटेड इन अ ब्रीफ केस। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ब्रीफ केस का प्रथा तोड़ी गई और बजट को लाया गया एक लाल कपड़े के अंदर में, बही खाता जिसे कहा गया, राइट, जिसे बही खाता कहा गया। हालांकि अभी तक के इस पे कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं है दैट हियर एंड आफ्टर बजट विल बी कॉल्ड एज बही खाता, बट इस बार उन्होंने कुछ तो नया करना है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो बजट लाया गया था वो लाल कपड़े के अंदर में लाया गया था। और ये इंडिया की प्रथा भी है, इंडियन कल्चर को डिनोट किया गया था कि हम कुछ भी शुभ काम करते हैं तो लाल कपड़ों के अंदर में, कुछ घर वर पे पूजा वगैरह भी होती है तो लाल कपड़ों के अंदर में होती है। तो 5 जुलाई को लेके आए निर्मला सीतारमण जी लेके आए, और फाइनल बजट इज वैलिड आफ्टर द इलेक्शंस, इफ एनी इन द इलेक्शन ईयर। सो बजट इज जनरली प्रेजेंटेड ऑन 1st February। देर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट। फॉर May 20 एंड November 20 एवरी प्रोफेशनल एग्जाम विल हैव इम्प्लीकेशंस ऑफ बोथ द बजट्स, इंटरिम बजट एज वेल एज फाइनल बजट। सो ऑल द अमेंडमेंट्स हैज बीन ब्रॉट अप फ्रॉम इंटरिम एंड फाइनल बजट आर एप्लीकेबल टू यू, पॉइंट वन। पॉइंट टू, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर विच एक्ट? फाइनेंस एक्ट, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, TCS एंड इंफोसिस इंटरव्यू क्वेश्चन, सीपीटी इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7, बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। आज जाओ पूछो भाई बजट एज पर विच एक्ट, वो बोलेगा फाइनेंस एक्ट, उसको बोला झंडू, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट कहा जाता है इसे, समझ में आई बात, लिखो, उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, बोलेगा भाई रिस्पेक्ट। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर FRBM एक्ट, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, राइट। सो एवरी ईयर बजट्स आता है, बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से, राइट। बजट्स फाइनेंस पोर्शन आफ्टर पार्लियामेंट्री डिस्कशन इज introduced in Finance Act। कुछ बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन ये है कि बजट को एज इट इज फाइनेंस एक्ट के अंदर ला लिया जाता है, पूरा गलत, कतई जहर। बजट एज इट इज नॉट ब्रॉट इन फाइनेंस एक्ट, बजट इज अगेंस्ट डिस्कस्ड इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट, बिकॉज दिस आर द टेंटेटिव discussions budgets ke andar mein which is provided by finance act। then again the opposition party has been given a chance to read the budget
एंड आस्क द क्वेश्चन एंड रेज द डाउट ऑन दिस बजट. यस और नो? एंड देर इज अ पार्लियामेंट्री डिस्कशन. हेंस नॉट ऑल थिंग विच इज प्रपोज्ड बाय बजट आर एक्चुअली ब्रॉट इज एज एन अमेंडमेंट. आफ्टर देर इज अ बजट देर इज अगेन अ पार्लियामेंट्री डिस्कशन एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट्री डिस्कशन दे इंट्रोड्यूस द फाइनल थिंग ऑन विच वोटेड एंड रेजोल्यूशन आर मेड आर ब्रॉट इन फाइनेंस एक्ट. हेंस वी यूज इज फाइनेंस एक्ट बिकॉज देर प्रोवाइड टू अमेंडमेंट्स. ध्यान से सुनना, डीटी अमेंडमेंट्स एंड आईडीटी अमेंडमेंट्स. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स. डीटी अमेंडमेंट और आईडीटी अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट इन क्योंकि बजट में देखिए बहुत सारी चीजें डिस्कस होती है. एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्कस होता है, हेल्थ सेक्टर डिस्कस होता है. एज अ प्रोफेशनल हमें जो काम का होता है वो है फाइनेंस सेक्टर, राइट? एंड इसमें दो तरीके के अमेंडमेंट्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स आते हैं. डायरेक्ट टैक्स के जो अमेंडमेंट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट्स की बात अगर हम करें तो इसमें जीएसटी के अमेंडमेंट्स नहीं होते. आस्क मी व्हाई. पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते. पूछो क्यों? बिकॉज जीएसटी इज अ मनी बिल और इसके ऊपर डिसीजन जो लेते हैं वो जीएसटी काउंसिल मीट में होता है. जीएसटी इज अ मनी बिल. जीएसटी इज अ मनी बिल. ये आपको विशाल सर डेफिनेटली बताएंगे या जो भी आपके आईडीटी के टीचर होंगे डेफिनेटली आपको बताएंगे. जीएसटी इज अ मनी बिल और इसके सारे डिसीजन काउंसिल मीट में होते हैं. हेंस द नंबर ऑफ टाइम काउंसिल मीट अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट अप. इसीलिए आप देखोगे जीएसटी काउंसिल मीट का जब भी डिस्कशन आता है कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आ जाता है क्योंकि नाउ जीएसटी इज अ मनी बिल और मनी बिल के सारे डिसीजंस जो लिए जाते हैं ये काउंसिल मीट में लिए जाते हैं. और काउंसिल अब जितने बार मीट होगा इसीलिए देखो हर बार आता है फोर्थ जीएसटी काउंसिल मीट, फिफ्थ जीएसटी काउंसिल मीट और उसमें जो रेट रिवाइज किए जाते हैं वो रेट लगाए जाते हैं. हमें समझना है कि जब भी जीएसटी काउंसिल मीट ने डिसीजन लिया इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होती है. सर आईडीटी अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट. अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब. रूल इज वेरी सिंपल सर. आईडीटी अमेंडमेंट्स आर एप्लीकेबल फ्रॉम मिडनाइट अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब. जब तक कुछ और ना कह दिया जाए आईडीटी अमेंडमेंट सीधा उसी रात से अप्लाई कर लेते हैं. जस्ट लाइक पेट्रोल प्राइजेस. इसीलिए जीएसटी के रेट अगर अगले दिन कम होने वाले हो आदमी एक दिन रुक जाता है, एक दिन बाद ले भाई, राइट? ये तो मेरे साथ ही हुआ प्रॉपर्टी लेते वक्त. समझ में आई बात? आइए सर, ये हुआ आईडीटी के अमेंडमेंट्स और अब जो बताने जा रहा हूं आपकी जिंदगी चेंज करेगा. मैंने आपसे कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था. एक्ट 1961, रूल्स 1962 क्यू. एक्ट और रूल्स का डिफरेंस हमने डिस्कस कर लिया और एक सवाल अब भी बाकी था जो मैंने आपको कहा था कि आज ही के लेक्चर में आपको पता चलेगा एक्ट 1961 और रूल्स 1962 का क्या लॉजिक है. सबसे पहले अमेंडमेंट आते हैं. अमेंडमेंट कहां से आते हैं? बजट से आते हैं. बजट दो होते हैं. इलेक्शन ईयर में दो बजट होंगे, इंटरिम एंड फाइनल. अदरवाइज सिर्फ एक ही बजट होता है, फाइनल बजट. ठीक है, बजट जो प्रिपेयर होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आता है. बजट जो होता है इसका जो फाइनेंस पोर्शन होता है पूरा आफ्टर डिस्कशन फाइनेंस एक्ट में ऐड हो जाता है. तो इसमें डीटी के भी अमेंडमेंट्स होते हैं, आईडीटी के भी अमेंडमेंट्स होते हैं. पहले बजट जीएसटी के भी अमेंडमेंट्स, यू नो जीएसटी से पहले जो लॉस थे एक्साइज एंड ऑल वो उसके भी अमेंडमेंट्स दिया करता था लेकिन जीएसटी जो आया ये मनी बिल बोल करके आया. हेंस बजट के अंदर में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होते. जब जब जीएसटी काउंसिल मीट होगी उसके अंदर इसके फाइनल डिसीजन आएंगे और जितने बार जीएसटी काउंसिल मीट होगी उतने बार जीएसटी के अमेंडमेंट आएंगे.
हालांकि इसको और बेहतर तरीके से आपके आईडीटी टीचर ही एक्सप्लेन कर पाएंगे, राइट। ये एक जनरल नॉलेज था जो मैंने शेयर किया। अब आते हैं डीटी के अमेंडमेंट, इसको मैं ही बता पाऊंगा और बेहतर बता पाऊंगा। आईडीटी के अमेंडमेंट्स तो उस रात से ही अप्लाई कर देते हैं। डीटी के अमेंडमेंट्स क्या होते हैं सर? डीटी के जो अमेंडमेंट्स होते हैं ये होते हैं एप्लीकेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, हेंस एक्ट 1961 रूल्स आर इंप्लीमेंटेड 1962। दिस इज द रीजन एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962, क्योंकि एक्ट अगर मान लो 1961 में आया होगा, इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से आएगी? 1962। हेंस दिस इज अ रीजन प्रूव्ड, एक्ट 1961 रूल्स 1962, गेम ओवर। बिकॉज पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, द होल इनकम टैक्स हैज बीन रिटन इन द असेसमेंट ईयर लैंग्वेज, आने वाले साल। अब इसका मीनिंग समझिए, क्योंकि कई बच्चे यहां पे नेक्स्ट ईयर से कंफ्यूज हो जाएंगे। मान लीजिए आपने फाइनेंस एक्ट 2019 लेकर के आया, ध्यान से सुनिए, फाइनेंस एक्ट 19 कब से एप्लीकेबल होगा, ध्यान से सुनना, फाइनेंस एक्ट 19 कब से एप्लीकेबल होगा? 1/4/2019 से अप्लाई कर देगा, बट सिंस इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, इसकी एक्चुअल एप्लीकेबिलिटी जो आएगी वो आएगी 1/4/2020 से, क्योंकि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। अब यहां से लेकर के यहां तक आप जो भी इनकम कमाएंगे उसको टैक्स पेड कब करेंगे? 2020 के अंदर में, जुलाई 20 के अंदर रिटर्न जाएगा या तो सितंबर के अंदर रिटर्न जाएगा। इसीलिए पूरा इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आने वाले साल की लैंग्वेज में। तो एप्लीकेबिलिटी 1/4/2019 से ही लागू हो जाता है, लेकिन एक्चुअली जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे आप तो असेसमेंट ईयर 2021 के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइनेंस एक्ट 19 एप्लीकेबल है, एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जब आएगा वो 1/4/2020, एंड यू नो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन जो दिखेगा आपको वो 2020 से दिखेगा, व्हेन असेसी फाइल्स रिटर्न ऑफ इनकम। हेंस फाइनेंस एक्ट 2019 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दोज हु आर गिविंग May 20 एज वेल एज November 20। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब बताइए, आप अगर May 20 November 20 दे रहे हैं, आपको जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2019 एप्लीकेबल है। हो सकता है कुछ बच्चे मई में एग्जाम दे रहे हो, बजट फिर से आएगा February 20 के अंदर में, नवंबर दे रहे हो, बजट फिर से आएगा 20 के अंदर में, क्या आपको 20 का फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि 20 का फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा आगे आने वाले साल में। The whole income tax is written in assessment year language. Hence, जब finance act आता है, देखिएगा, 1 फरवरी को बजट आया होगा, वो 1 अप्रैल से लागू हो चुका होगा। मतलब TDS rate जो बजट में बताए होंगे, 1/4/2019 के बाद आप जो भी payment करेंगे, उनके ऊपर वो TDS rate लगाएंगे। लेकिन ये तो सिर्फ income कमाने का साल हुआ, इसका return तो आप practically 2020 में ही भरोगे। उस साल आपका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा जब आप रिटर्न भरोगे, हेंस फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसीलिए रूल्स 1961 को लाया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन सीधा नेक्स्ट ईयर से ही होगा वो। इसीलिए एक्ट 1961 एंड रूल्स 1962। हेंस ऑल दो स्टूडेंट्स विच आर गिविंग May 20, November 20 और June, December 20 has to make the Finance Act 2019 and not Finance Act 2020. अगर कोई आपको बोलता है कि आपको Finance Act 2020 पढ़ना, उसको मारना और बोलना बेटा काम कर अपना, आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो क्या है? Finance Act 2019। समझ में आई बात? और वही पीरियड अभी चल रहा है और आपको असेसमेंट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है 2021। तो यहां से एक बात याद रखिएगा, पूरे इनकम टैक्स में आप लोग के लिए प्रीवियस ईयर
क्या बनेगा 1920 और असेसमेंट ईयर बनेगा 2021 हर प्रॉब्लम के लिए कॉमन। ये आपका जनरल प्रीवियस ईयर जनरल असेसमेंट ईयर होगा। हालांकि अब तक हमने ये डिस्कस नहीं किया व्हाट इज प्रीवियस ईयर व्हाट इज असेसमेंट ईयर, वो कल का पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे। इज दैट डन? भाई साहब बहुत कुछ पता चला शायद आपको जिंदगी में, आंखें खुल गई होगी कि बस डीटी को हम जितना लाइट लेते हैं उतना लाइट नहीं और ये उतना डीप भी है। वापस से एक बार, हमें चार शब्द पढ़ने थे, सरप्राइजिंगली आज शायद हम सिर्फ दो ही पढ़ पाए, एक्ट और 1961। आज मैं चार वर्ड भी नहीं पढ़ा पाया आपको, मैं जरा एवरेज बच्चा हूं, स्लो जाता हूं, पर जितना पढ़ोगे गारंटी है उतना पहली बुक तो सिर्फ मेरी बुक में मिलेगा और दूसरी बात उसके बाद यू विल फील कि भाई अब पढ़ के मजा आया है। क्योंकि ओरिजिनली मैं आपको बताऊं किसी भी स्टूडेंट को पढ़ के कब मजा आता है, जब वो डिटेल में पढ़ ले और मां कसम उसको समझ में भी आ जाए। साहब बजट कितने प्रकार के होते हैं? दो, जल्दी बोलो कौन कौन से? इंटरिम बजट, फाइनल बजट। ठीक है, इंटरिम बजट और फाइनल बजट। इंटरिम बजट लाया गया इस साल 2019। हाँ, हम 2019 की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आपको फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है 2019 का। इस बजट में दो बजट आए, इस सीजन में दो बजट आए, इंटरिम बिकॉज ऑफ द इलेक्शन एंड फाइनल। इंटरिम बजट वॉज वैलिड फॉर 6 मंथ एंड फाइनल बजट देर आफ्टर एप्लीकेबल, अदरवाइज अगर इलेक्शन ईयर नहीं होता तो सिर्फ एक फाइनल बजट निकलता है। बजट जो लाया गया दो अलग अलग व्यक्तियों ने इसे प्रेजेंट किया था और दोनों से आए हुए अमेंडमेंट्स आप लोग के ऊपर एप्लीकेबल है। बजट जो होता है वो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से प्रिपेयर होता है और बजट का जो फाइनेंस पोर्शन होता है आफ्टर डिस्कशन इन द पार्लियामेंट फिर इसको फाइनलाइज किया जाता है। राइट, यानी एज इट इज जो बजट में चीजें होंगी वो जरूरी नहीं आ जाए, हो सकता है क्योंकि आपने बजट का डिस्कशन पढ़ा होगा लेकिन आफ्टर द बजट अप्रूवल्स आपने नहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है कई चीजें ऐसी हो जो आपको भी लगे नहीं सर बजट में तो ऐसा था। ये बात हमेशा याद रखना, बजट के बाद पार्लियामेंट्री डिस्कशन होता है और उसके बाद ही फाइनल चीजें बाहर आती है क्योंकि प्रपोज्ड एंड अप्रूव्ड अलग अलग हो सकता है। आईडीटी के अमेंडमेंट्स अब इसके साथ नहीं बताए जाते बजट के साथ क्योंकि अब ये मनी बिल है तो जितनी बार जीएसटी काउंसिल मीट होगा उतने बार इसके अमेंडमेंट्स आएंगे, लेकिन डीटी के अमेंडमेंट्स लागू किए जाते हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। यस और नो? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग यही है कि वो चालू तो 1 अप्रैल से हो जाता है लेकिन वो 1 अप्रैल से सिर्फ चालू होगा, उसका एक्चुअल वर्किंग तो आने वाले ईयर में ही होगा। हेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन इंप्लीमेंट कब से होगा? 1962 से उसका इंप्लीमेंटेशन चालू होगा। So all those who are giving May, June 20 or November, December 20 will be liable for Finance Act 2019. जो बजट 2020 में आएगा वो आपके कोई काम का नहीं है। Is that done? चलिए सर, ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। आज हमने सिर्फ दो वर्ड पढ़े, एक्ट रूल्स, पर मैं आपको आज पूरा लेक्चर फटाफट रिकॉल करवा के देता हूं। हमने सबसे पहले एक्ट पढ़ा, सर जेम्स ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, पहली बार एक्ट आया था 1922 में, फिर आया 1961 में, रूल्स आए 1962 में। क्यों? बिकॉज द होल इनकम टैक्स इज रिटन इन असेसमेंट ईयर लैंग्वेज। फिर तीन बात, लॉ मेकर, लॉ इंप्लीमेंटर, लॉ इंटरप्रेटर। लॉ मेकर, लॉ मेक किया जा सकता है, कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। कैसे लॉ बनेगा? या तो आर्टिकल 245 या तो आर्टिकल 123। आर्टिकल अगर पार्लियामेंट सेशन में होगा, लॉ पार्लियामेंट पास करेगा, पहले ग्रीन पेपर फिर व्हाइट पेपर, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट अप्रूवल। अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और एक्ट की जरूरत पड़ती है तो ऑर्डिनेंस आता है। क्या इस लेक्चर में हम ऑर्डिनेंस भी डिस्कस करेंगे? हाँ, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अगर ऑर्डिनेंस आया है आर्टिकल 123 कब तक के लिए लागू होता है? नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन से 6 वीक्स के लिए लागू होता है। सेम पावर है जितना एक्ट को पावर होता है। क्या इधर आया है 2019 में? हाँ, मतलब आप समझो आप कितने लकी हो, आपको इंटरिम बजट पढ़ने मिल रहा है, आपको फाइनल बजट पढ़ने मिल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ने मिल रहा, यानी यू विल बी द फाइनेस्ट बैच ऑफ ऑल द टाइम्स। और आपकी इतनी कृपा रही है मोदी सरकार की आपके ऊपर। आदमी बोलता सीए स्टूडेंट बोलेगा जिंदगी में और कुछ हुआ नहीं हुआ, सिलेबस जरूर बढ़ गया। सिलेबस बढ़ गया? हाँ सर बढ़ गया, डेफिनेटली बढ़ गया आपका सिलेबस। राइट, अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 265, लॉ मेकिंग प्रोसेस, नो टैक्सेस कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल 270, टैक्सेस कलेक्ट करने का पावर है लेकिन सरचार्ज एंड सेस कलेक्ट करने का पावर दिया हुआ नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले गए आर्टिकल 271 पढ़ा, सरचार्ज।
टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट शेयर करता है एज पर आर्टिकल 270, पर सरचार्ज शेयर होता नहीं, ये उन्होंने खुद के पॉकेट में डाला है यूनियन ने, यस और नो? हालांकि वो यूज उसी के लिए करेंगे। एचईसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट है, इसे शेयर किया जाएगा लेकिन स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, यस और नो? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा लॉ इंप्लीमेंटर्स 295, 296, 298, तीन सेक्शन हमने पढ़े। 295 में सीबीडीटी हैज पावर टू मेक द रूल्स, 296 कुछ रूल्स और नोटिफिकेशन को पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, 298 रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के पावर है, ठीक है? फिर तीसरा हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आईटीएटीज के पावर, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशंस। फिर हमने पढ़ा एक्ट, एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है। एक्ट इज एन एनएक्टमेंट पास बाय द पार्लियामेंट, सेक्शन इज सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एन एक्ट, नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट, इट इज एप्लीकेबल टू डिपार्टमेंट, नॉट एप्लीकेबल टू असेसी, मैंडेटरी, राइट? इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी केस लॉस को कैसे रीड करते और केस लॉ को कब रीड करते, यस और नो? कैसे रीड करते और कब रीड करते दोनों भी डिस्कस किया। पहले एक्ट, एक्ट में कुछ नहीं मिला तो जनरल क्लॉज एक्ट, फिर जाना केस लॉ, केस लॉ में कुछ नहीं मिले तो कस्टम फॉलो करना, क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने, ये था पूरा एक्ट 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 एक्ट, फिर हमने डिस्कस किया शेड्यूल एनेक्सचर क्या होता है जो एक्ट के पीछे होता है। फिर हम गए 1961 का लॉ, हम अब क्यों पढ़ रहे हैं, अमेंडमेंट्स, लॉ इज नॉट चेंज, एवरी ईयर देयर इज एन अमेंडमेंट्स, राइट? अमेंडमेंट ब्रॉट अप किए जाते हैं बजट से, बजट 1 फरवरी को आता है, इंटरम बजट, फाइनल बजट, इलेक्शन ईयर में ये दोनों बजट आते हैं, राइट? और दोनों की एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर है। आईडीटी के अमेंडमेंट्स जनरली मिडनाइट से अप्लाई करते हैं, डीटी के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो जितने लोग मई 20, नवंबर 20, जून, दिसंबर 20 दे रहे हैं उन सभी के लिए क्या एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 19 आप लोग के लिए एप्लीकेबल है, रीड विद फाइनेंस टैक्सेशन ऑर्डिनेंस 2019, क्लियर है? ये हुआ पॉइंट एक। पॉइंट दो, अब मैं आपको बेटा, मैं लेक्चर के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट आपको बता देता हूँ, फटाफट सुन लेना। लेक्चर्स के दौरान आपको क्या मिले होंगे, पहली बात तो आई होप आपको पहली बात तो लेक्चर समझ आया होगा, और दूसरा आपको लेक्चर्स के साथ साथ बुक्स क्या क्या मिलेंगे। मैं आपको फॉलोइंग बुक्स दे रहा हूँ, पहली बात तो मैं आपको चार मॉड्यूल दे रहा हूँ, हमारा क्लास भी इन चार मॉड्यूल्स पे डिवाइडेड है। ये चार मॉड्यूल्स क्या है, बहुत लॉजिकली बनाए गए हैं। मेरे चार मॉड्यूल क्या है आप पहले समझ लें। पहला मॉड्यूल, दिस इज मॉड्यूल 1, हम इसमें रखेंगे पूरा असेसमेंट प्रोसीजर। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है डीटी का, हम इसमें पूरा असेसमेंट प्रोसीजर रखेंगे। मॉड्यूल 2, ये पूरा है कंप्यूटेशन, दैट इज पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड ऑल, ये है पूरा कंप्यूटेशन। मॉड्यूल 3 है असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। अब ये क्या है, ये पहले चैप्टर्स है जो आपको ऐड किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप इंटर में थे, आईपीसीसी में थे, तब तक आपको सिर्फ इंडिविजुअल की इनकम कंप्यूट करनी पड़ती थी, फाइनल में आपको एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, कंपनी सबकी इनकम कंप्यूट करनी पड़ती है, और यही सब अलग अलग चैप्टर बन गए हैं असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज में। एंड मॉड्यूल 4 में हम रख रहे हैं इंटरनेशनल टैक्स। तो मेरे क्लास में ये चार बुक्स आपको मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड एज रेगुलर बुक्स, ऑल मल्टीकलर बुक्स, टोटली डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, नोट्स के फॉर्म में डिजाइन किए गए हैं पूरे के पूरे, साथ ही साथ में बहुत अलग कलर से इसे रखा गया है, ये मल्टी कलर्ड है। जब मैं आपको साथ बुक शेयर करूंगा तब आपको बताता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको एक फास्ट ट्रैक बुक भी दूंगा, जितने लोग रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं मैंने एक फास्ट ट्रैक बुक भी दूंगा इस बार से, जितने लोग फास्ट ट्रैक बुक जितने लोग ये लेक्चर्स ले रहे हैं मैं इनको फास्ट ट्रैक बुक भी दूंगा। फास्ट ट्रैक बुक इसलिए क्योंकि चार मॉड्यूल एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़े जा सकते, तो आपको एक समरी चाहिए पूरी की पूरी, ये है समरी, फास्ट ट्रैक बुक। एडेड बेनिफिट इस लेक्चर का, इन लेक्चर्स का एडेड बेनिफिट, मैं जब आपको मॉड्यूल पढ़ाऊंगा सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट लिखवा के दूंगा, पूरा स्टडी फॉर्म समझिए, सबसे पहले मैं आपको चार्ट लिखवा के दूंगा, इवन दो नोट्स में वर्ड बाय वर्ड सेम होगा तो भी हम लिखेंगे चार्ट फॉर्म में, इसी को हम प्रूफ रीडिंग कर लेंगे तुरंत नोट्स के साथ। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा मैं आपको बोलूंगा फास्ट ट्रैक बुक निकालिए, मैं फास्ट ट्रैक बुक से तुरंत आपको रीड करवा दूंगा, यहां पे इतना शॉर्ट लॉन्ग में दिया है, ये शॉर्ट में यहां दिया है, एग्जाम से पहले आपको क्या रीड करना है। तो यानी तुरंत मेन बुक भी यहीं डिस्कस होगी, ये भी यहीं डिस्कस होगा और फास्ट ट्रैक भी यहीं डिस्कस हो जाएगा,
समझ में आई बात, ताकि फास्ट ट्रैक में आपके लिए कुछ न्यू ना रहे, एक बार आपका यही मेरे साथ पढ़ के हो जाए, हो सकता है इससे हमारे लेक्चर नंबर ऑफ लेक्चर एक या दो बढ़ जाए, बट मेरे को लगता है आप इस चीज को अग्री कर देंगे। रही बात नंबर तीसरी चीज मैं आपको क्या दूंगा, तीसरी चीज मैं आपको दूंगा केस लॉ बुक। हालांकि ये केस लॉ बुक जो आपको मिलेगी ये सीधे सीधे मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जुडिशियल जजमेंट्स पे डिपेंड करेगा, तो ये आपको सीधा सीधा कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो तीसरी चीज है केस लॉ बुक जो आपको आएगी। चौथा मैं प्लान कर रहा हूं, हालांकि मैं अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं देता, मैं प्लान कर रहा हूं एक चार्ट बुक, राइट, जिसमें बड़े बड़े चार्ट के जगह पूरे चार्ट्स आ जाएं शॉर्ट फॉर्म के अंदर में, जो आप कैरी कर सकें और रीड कर सकें। हालांकि मैं उसके प्रोसेस में हूं और मैं अभी उसके लिए कोई भी आपको कमिटमेंट नहीं करता हूं, बट हाँ अगर हो गया तो मैं डेफिनेटली आपको चार्ट बुक दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि आपको चार मॉड्यूल मिलेंगे, फास्ट ट्रैक बुक मिलेगा, केस लॉ बुक मिलेगा, चौथी चीज जो आपको मिलेगी वो होगी क्वेश्चनेयर, दैट इज क्वेश्चन बैंक। I understand this need कि बॉस हर चैप्टर में क्लास का टाइम लिमिटेड होता है और आप पूरे हर तरह के क्वेश्चन यहाँ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक दूंगा जिसके अंदर में, अगेन ये वी स्मार्ट का ट्रेंड ही है पूरा का पूरा, चाहे दर्शन सर ले लो, जय सर ले लो, कपिल सर ले लो, विशाल सर ले लो, मैं ले लो, हम लोग का ट्रेंड ही है, हम लोग क्वेश्चन बैंक भी देते हैं जिसमें हर चैप्टर पे सॉल्व्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब क्लास में जो आप अनसॉल्व्ड को सॉल्व करोगे वो तो करोगे ही करोगे, साथ साथ में क्वेश्चन बैंक में सॉल्व्ड क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप एक साथ उसके साथ भी कुछ क्वेश्चन, आपको लगता है कोई चैप्टर में आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, बिंदास जाओ क्वेश्चन बैंक के थ्रू सॉल्व करो। तो ये वो चीजें होंगी जो आपको मेरे तरफ से मिलेगी, राइट, बुक्स। अब आते हैं नंबर ऑफ लेक्चर्स के ऊपर। सर नंबर ऑफ लेक्चर्स कितने हैं? आई विल टेक अराउंड 65 to 70 लेक्चर्स। I'll take around 65 to 70 lectures. मेरा पिछला recording भी around 65 lectures का था, right? पर ये भी 65 to 70 lectures जाएगा, because आप जानते हैं 43 topics है, right? और उसमें PGBP, capital gain जैसे भी topic है जो एक दिन में नहीं होते, तो 43 topics के 43 को 43 days में नहीं खत्म किया जा सकता। I hope you understand this point very well. तो 65 to 70 lectures लगेंगे। कुछ generally जो lectures का duration होगा, ध्यान से सुनना, जनरली जो लेक्चर का ड्यूरेशन होगा ये 3 to 3.5 घंटे का हो सकता है, राइट, 3 to 3.5 घंटे का हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। जो संडेज के लेक्चर्स होंगे वो ज़्यादा आवर्स के होंगे, राइट, जो संडे के लेक्चर्स होंगे वो ऑब्वियसली ज़्यादा आवर्स के होंगे। ओके, आई थिंक अमेंडमेंट्स पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको कुछ चीज़ चाहिए जो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, एक 400 pages रजिस्टर। एज आई सेड मैं लिखवा के देता हूं, तो 400 page रजिस्टर रखिएगा, मल्टी कलर पेन रखिएगा, कैलकुलेटर इज मैंडेटरी, क्योंकि मैं प्रॉब्लम रीड नहीं सॉल्व करवाता हूं, ये मेरा हैबिट है, इंटर से हैबिट है। मैं प्रॉब्लम, आप इंटर अगर मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये तीन चीजें आपको मैंडेटरी, दिमाग घर पे भूल के आ जाओ चलेगा, पर ये तीन चीज चाहिए, मतलब चाहिए, और मैं यहां सॉल्व कराऊंगा। और मैं अभी बोल देता हूं, पूरे लेक्चर के दौरान करीब 400 प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे क्लास में, सो बी रेडी, मेहनत करने के लिए रेडी होंगे तो ही, जिसमें थ्योरी क्वेश्चन भी होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होगा, सब होगा। एक और सवाल, सर क्या इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे क्या? डोंट वरी, मैंने बुक्स बनाते वक्त सारी चीजें कंसिडर की है, इनफैक्ट मॉड्यूल में भी जो क्वेश्चन है वो पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन ही है, तो वो हमने पूरे के पूरे यहाँ पे कंसिडर किए हैं। एंड मैं, मेरा जो पैटर्न है वो मॉड्यूल के साथ ही चलता है, राइट, तो 100% हम लोग मॉड्यूल कवर करेंगे। बट मैं आप सभी को रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप बिंदास मॉड्यूल देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड्यूल देखना भी चाहिए, अगर आपके पास टाइम है तो बिंदास देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेक्चर के दौरान मैं आप, एक वक्त आएगा जब मैं आपसे एक्ट खरीदने की बात करूंगा, उस टाइम प्लीज उतना कर लेना, राइट, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है हर एक के लिए, बट अगर किसी को सच में इंटरेस्ट है और वो सोचता है कि मुझे डीटी में बहुत आगे जाना है तो उसने ये चीज करनी ही चाहिए। यस ऑर नो? मैंने आपको क्वेरीज के लिए मेरा नंबर सेंड कर दिया, आपको जब भी सही लगे आप क्वेरी सेंड कीजिए, राइट। इस दौरान टेस्ट भी होगा, ये बात याद रखिए, इस दौरान टेस्ट भी होगा, जो लोग पेन ड्राइव या वर्चुअल के थ्रू है उन लोगों को टेस्ट आपको साथ साथ में आ जाएगा, आपको टेस्ट देना है और टेस्ट के साथ साथ इसके आंसर्स भी होंगे। इज दैट डन? एनीथिंग विच यू फर्दर नीड एन एक्सप्लेनेशन? परफेक्ट, ओके, थैंक यू फॉर दिस डे, बाय एंड टेक केयर।